अनम्यूट नहीं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप माय वॉइस इज परफेक्टली क्लियर। ओके ओके, एंड स्क्रीन इज आल्सो परफेक्टली विजिबल। आज थोड़ा नेट का इश्यू है। अरे ओके, ओके फाइन। ओके नवीन, आई विल चेक। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सॉरी, सो वी कैन स्टार्ट द सेशन, राइट? दैट इज ऑफ सिंक्रोनस आर कोहेरेंट डिटेक्टर। सी, फॉर डिमॉड्यूलेशन पर्पस नाउ वी आर यूजिंग टुडे ऑनवर्ड्स। बेसिकली देयर आर टोटल थ्री टेक्निक्स। आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी, राइट? तो आज हम लोग डिमॉड्यूलेशन टेक्निक पर, अपनी थर्ड टेक्निक पर जा रहे हैं। फर्स्ट टेक्निक मैंने आपको स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर बताया था। सेकंड टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो सेकंड टेक्निक इनवेलप डिटेक्टर था, इसको काफी डिटेल में हमने देखा था। थर्ड टेक्निक है सिंक्रोनस डिटेक्टर आर कोहेरेंट डिटेक्टर। तो नेक्स्ट गिव द हेडिंग सिंक्रोनस आर कोहेरेंट डिटेक्टर। सिंक्रोनस आर कोहेरेंट डिटेक्टर, सिंक्रोनस आर कोहेरेंट डिटेक्टर। फर्स्ट यू शुड गिव दिस एज ए हेडिंग। अब इस पर ब्लॉक डायग्राम के साथ हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। सबसे फर्स्ट यहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था डिमॉड्यूलेशन पर्पस के लिए आवर मेन रिक्वायरमेंट इज लो पास फिल्टर। तो हम यहां पर लो पास फिल्टर की हेल्प लेंगे विद जो भी हमारे पास एएम सिग्नल है, पहले उसमें सेम कैरियर सिग्नल का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो कंपोनेंट आएगा उसमें लो पास फिल्टर यूज करेंगे। लो पास फिल्टर यूज करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको फर्दर एम्पलीफायर कैपेसिटिव सर्किट से पास करेंगे और हमारे पास प्रॉपर आउटपुट आ जाएगा। सो इफ आई एम टेकिंग द ब्लॉक डायग्राम देन आई कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल एस से दिस इज एस एएम ऑफ टी, राइट? ये आपके पास एएम सिग्नल है और इस एएम सिग्नल को आप
एक मल्टीप्लायर पर भेज रहे हैं, राइट? मल्टीप्लायर. सी स्टूडेंट्स, व्हाई वी आर नॉट राइटिंग बैलेंस मॉड्यूलेटर हियर, क्योंकि मॉड्यूलेशन सेक्शन हम लोग पहले वाले पार्ट में पढ़ते हैं जहां मॉड्यूलेशन कराना होता है. सो दैट्स व्हाई यहां पर नाम को डिफर रखने के लिए हम लोग यहां मल्टीप्लायर नाम यूज करते हैं. हियर वी आर यूजिंग द नेम मल्टीप्लायर. इन मल्टीप्लायर वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द कैरियर सिग्नल, दैट इज जो कैरियर सिग्नल था अपने पास उसी सिग्नल को हमने लिया है, बट इसको लिखना चाहिए बेसिकली लोकल ऑसिलेटर. यहां हम लोकल ऑसिलेटर की हेल्प से इसको जनरेट कराते हैं. दिस इज विद द हेल्प ऑफ लोकल ऑसिलेटर, और लोकल ऑसिलेटर की हेल्प से आप सेम कैरियर सिग्नल, सपोज करो मैंने एज्यूम कर लिया सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी या ओमेगा सी टी. ये आपके पास कैरियर है, ये आपका मैसेज नहीं है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, राइट? जो भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो सिग्नल है, इनटू कैरियर है, और इसके बाद आप एक लो पास फिल्टर यूज करेंगे जिसमें प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे. लो पास फिल्टर के बाद आफ्टर लो पास फिल्टर कुछ इंटरनल मैकेनिज्म होती हैं जिसमें कैप्चर और फर्दर एम्पलीफायर सर्किट्स लगा होता है, और वापस आपको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाता है, मतलब ओरिजिनल मैसेज सिग्नल मिल जाता है. लेकिन अभी मैं इसको लिख रहा हूं लो पास फिल्टर पर जो हमारे पास वैल्यू बनेगी, दिस इज आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर. तो लो पास फिल्टर से जो आउटपुट बनेगा उसको हम देखेंगे, राइट? अदरवाइज आप इस टर्म्स को, हाँ राइट राइट सर्वेस करेक्ट. लो पास फिल्टर मैंने बोला है, और लो पास फिल्टर का जो आउटपुट बनेगा वो यहां हम देखेंगे, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस ब्लॉक डायग्राम को बना लें. आफ्टर टेकिंग दिस ब्लॉक डायग्राम मैं यहां पर कुछ टर्म्स लिखूंगा, उनको एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहली लाइन, सिंक्रोनस डिटेक्टर इज यूज्ड. यहां जो अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं सिंक्रोनस डिटेक्टर. एक एक करके अभी मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा, पहले आप फर्स्ट लिख लें सिंक्रोनस डिटेक्टर इज ए डीमॉड्यूलेटर. सिंक्रोनस डिटेक्टर इज ए डीमॉड्यूलेटर, राइट? डीमॉड्यूलेटर सर्किट ऑफ एएम, डीमॉड्यूलेटर सर्किट ऑफ एएम सिग्नल एंड वी कैन से this detection process completely recover original message signal. ओरिजिनल मैसेज सिग्नल. एक लाइन इस पर मैं और ऐड करता हूं, अगर आपके पास नीचे स्पेस हो तो नीचे भी लिख सकते हैं. हाँ, थोड़ा फॉन्ट साइज मैंने बड़ा रखा है. यस, देखो फॉर परफेक्टली मुझे स्पेस नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स, मैं ऊपर लिख देता हूं फॉर परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन. सेकेंड लाइन में लिख रहा हूं, फर्स्ट लाइन मैंने लिखी थी सिंक्रोनस डिटेक्टर इज यूज्ड फॉर द डिमॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल. सिंक्रोनस डिटेक्टर इज ए डिमॉड्यूलेटर सर्किट ऑफ एएम सिग्नल एंड वी कैन से दिस डिटेक्शन प्रोसेस कंप्लीटली रिकवर ओरिजिनल मैसेज सिग्नल. सेम ओरिजिनल मैसेज सिग्नल आपको यहां से मिल जाएगा. दूसरा,
for perfect reconstruction. Very important line. For perfect reconstruction. For perfect reconstruction of for perfect reconstruction of Mass's signal. इसको लिख लें, अभी मैं समझाऊंगा. Local oscillator output should be perfectly local oscillator output should be perfectly synchronized with phase and frequency both. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इस लाइन को जरूर लिख लें. इसी लाइन पर हम लोग वर्क करते हैं. विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमीटर कैरियर की भी टर्म लिख सकते हैं. बोथ विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमीटर कैरियर, विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमीटर कैरियर. स्पेस कम था, थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग. आप लोगों को मैंने आज बोला है, आप लोग अपना कोई भी रिप्लाई द इंजीनियर्स होस्ट पर करेंगे, राइट. हिमांशु सर पर कोई रिप्लाई नहीं करेंगे. अगर किसी ने किया हो तो मैं देखना देख लेता हूं, राइट. आपको सभी रिप्लाई, यस स्टूडेंट्स, आपको सभी रिप्लाई द इंजीनियर्स होस्ट पर करने हैं. द इंजीनियर्स होस्ट पर जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक को, राइट. ये एक लाइन थोड़ा सा लिखना कंपल्सरी था. पहले ये दोनों लाइन लिख लें, थर्ड एक लाइन और है, मैं वो भी लिखूंगा. फर्स्ट मैंने लिखवाया कि सिंक्रोनस डिटेक्टर एक डिमॉड्यूलेटर सर्किट है, जो कि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, एएम सिग्नल के लिए. तो एएम सिग्नल का डिमॉड्यूलेशन अगर हमें करना है तो आप इसके लिए कौन सा डिटेक्टर यूज कर रहे हैं, सिंक्रोनस डिटेक्टर. नाम बता रहा है सिंक्रोनस. जैसे मेरी क्लॉक, मान लो मैं अपनी वॉच में टाइम देख रहा हूं, और सेम एक बगल में मेरे पास पर्सन है, और हम दोनों का वॉच का टाइम सेम चलता है, मतलब मेरी घड़ी उस पर्सन की घड़ी से सिंक्रोनाइज है, राइट. दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन. तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है सेम फ्रीक्वेंसी यहां पर, राइट. जैसे हम लोग मशीन में बात करेंगे तो वहां रोटर स्टेटर के टर्म्स में बात करने लगेंगे कि अलाइनमेंट सेम वैल्यू पर बन रहा है या नहीं. तो यहां हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, हाँ हाँ चल रहा है. अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे मेरी वॉच पर 12 बजे, वैसे ही बगल वाली वॉच पर भी 12 बजे, मतलब दोनों वॉच आपस में क्या हैं, सिंक्रोनाइज हैं. सो दैट्स व्हाई यहां मैं जिस लोकल ऑक्सीलेटर से जो मल्टीप्लाई करा रहा हूं, जिस सिग्नल का मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं, बोर्ड पर देखो, वो सिग्नल परफेक्टली, ध्यान से सुनना, जिस सिग्नल से मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं वो सिग्नल परफेक्टली वही होना चाहिए जो आपने ट्रांसमीटर सेक्शन पर एज ए कैरियर लिया था. सेम वही सिग्नल होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर वे में इसको डिमॉड्यूलेट कर पाओगे. इसलिए ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है दिस लाइन, फॉर परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल. अगर मैसेज सिग्नल को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना है, देन लोकल ऑक्सीलेटर से जो आउटपुट बनता है वो आउटपुट क्या होना चाहिए, शुड बी, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दैट वर्ड, शुड बी परफेक्टली सिंक्रोनाइज. सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए किसके साथ, विद फेज एंड फ्रीक्वेंसी बोथ. फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन तो आसानी से हो जाता है, फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन के साथ कोई इशू नहीं है, बट फेज सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें एडिशनल सर्किट भी यहां पर यूज करना पड़ता है. दैट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस.
हमें क्या करना पड़ता है, इसके साथ एक एडिशनल सर्किटरी यूज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एडिशनल सर्किटरी पर, अगर मैं एडिशनल सर्किटरी की बात कर रहा हूं तो एडिशनल सर्किटरी जब आप यूज करोगे उसकी हेल्प से सेम फेज को मेंटेन कर पाओगे, राइट। तो स्टूडेंट्स ये लाइन इस पर आपको ऐड करनी होगी इसके बाद। क्या यहां तक लिख चुके हैं आप, अप टू दिस सभी लोग लिख चुके हैं? सृष्टि दैट इज रिटेन, मैंने ऐसा लिखा था, लोकल ऑसिलेटर आउटपुट शुड बी परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड विद फेज एंड फ्रीक्वेंसी बोथ, राइट। फिर लिखा था विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमीटर कैरियर, जो ट्रांसमीटर सेक्शन पे कैरियर लिया था वही सेम लेना चाहिए। तो लिखा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमीटर कैरियर, जगह नहीं थी इसलिए इसके नीचे ही ऐसा लिख दिया है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमीटर कैरियर। मुझे लगता है यहां तक मेरी बात क्लियर होगी आप लोगों को, शायद आप लोगों ने लिख भी लिया होगा स्टेटमेंट, नीचे वाला तो लिख ही चुके हैं। तो मैं स्टूडेंट्स ये थर्ड लाइन भी इसमें ऐड करा देता हूं, फिर मैं इस पर आगे मूव करूंगा और ये बात आपको प्रॉपरली समझाऊंगा, ठीक है। हम दो केसेस बनाकर इसको प्रॉपरली वे में अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत आसान सी बात है, राइट। तो सिंक्रोनस का हिंदी में मतलब क्लियर है, दैट मीन्स सेम, राइट। सिंक्रोनस मीन्स सेम, और कोहरेंट वाने भी सेम होता है, तो सिंक्रोनस डिटेक्टर बोलें अथवा इसी को कोहरेंट डिटेक्टर बोलते हैं। बोलते हैं ना कि आपस में कोहरेंस कर गया, कोहरेंस करने का मतलब जैसे दो पर्सन है और उनकी फ्रेंड्स, मतलब मान लीजिए चार लोग आपस में मिलते हैं और किसी दो या तीन लोगों की आपस में फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है, तो इसका मतलब है उन दो तीन की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर रही है, राइट। जो बात पहला सोचता है वही दूसरा सोचता है वही तीसरा सोचता है, तो इन तीनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर रही है, दैट इज कॉल्ड कि आपस में वो कोहरेंट है, राइट। इसी तरह आपस में वो तीनों सिंक्रोनाइज है, अगर मन है घूमने का तो वो तीनों का मन है घूमने का, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन, एक्सेप्टेड, राइट। तो सिंक्रोनस का मतलब ही कोहरेंस है, सिंक्रोनस का मतलब ही कोहरेंस है, या सिंक्रोनस सर्किट को, या सॉरी सिंक्रोनस डिटेक्टर को ही कहते हैं कोहरेंट डिटेक्टर। क्या नाम लेते हैं? कोहरेंट डिटेक्टर। अब इसके बाद अगर मैं इस लाइन को, थर्ड वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, सेकंड इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्या होना चाहिए? प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए किसके बीच में, जो डिमॉड्यूलेशन में आप कैरियर सिग्नल पसंद कर रहे हैं वो कैरियर सिग्नल जो आप मेकआउट कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए जैसा आपने इनपुट में मॉड्यूलेटर सर्किट में यूज किया था, दैट इज ट्रांसमिशन में यूज किया था। तो ट्रांसमीटर सेक्शन में जो कैरियर लिया था सेम कैरियर होना चाहिए, और उस कैरियर की फ्रीक्वेंसी और फेज कहां गया, फेज और फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम, तभी आपके पास प्रॉपर डिमॉड्यूलेशन हो पाएगा। प्रॉपर डिमॉड्यूलेशन का मतलब प्रॉपर रिकवर होगा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। अब देखिए यहां पर इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है QNE की, दैट इज क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, अभी देख लेते हैं उसको भी। पहले इस स्टेटमेंट को आप समझ लें, थर्ड स्टेटमेंट है फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन कैन बी मेंटेन इजिली। फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं है, जितनी कैरियर फ्रीक्वेंसी वहां थी उतनी ही सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी यहां अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। ये मेंटेन करना आसान होता है, बट टू सिंक्रोनाइज सेम फेज बट टू सिंक्रोनाइज सेम फेज सेम फेज एडिशनल सर्किटरी
is required. Additional circuitry is required. मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुने. मैंने बोला फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करना आसान है. हम जो लोकल ऑक्सीलेटर यूज करेंगे उस पर उसको उतनी ही फ्रीक्वेंसी पर रखेंगे. बट अगर मैं बात करूं फेज डिफरेंस की, सम वॉट कैरियर सिग्नल जनरेट करते समय कुछ 30 डिग्री, कुछ 45 डिग्री, कुछ 60 डिग्री का फेज डिफरेंस आ सकता है. और अगर फेज डिफरेंस आ रहा है तो दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस. तो हमें कोशिश करनी है स्टूडेंट्स की फेज डिफरेंस, हमें कोशिश करनी है कि फेज डिफरेंस को हम मेंटेन कर पाए. यहां पर फेज डिफरेंस अगर एसी कॉस 2 पाई एफसीटी प्लस 0 है तो इसका मतलब मुझे आगे भी जो कैरियर यहां लगाना है, मतलब ट्रांसमीटर में भी एसी कॉस 2 पाई एफसीटी था तो रिसीवर में भी कैरियर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, एसी कॉस 2 पाई एफसीटी. तो दैट इज द लॉजिक कि यहां पर कोई फेज डिफरेंस नहीं आना चाहिए. इसके लिए एक एडिशनल सर्किट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एडिशनल फेज सर्किट. एडिशनल फेज सर्किट के अंदर फेज सिंक्रोनाइजर लगा होता है जो देखता है कि इनपुट साइड कितना फेज दिया है, उसी सेम फेज पर इस वैल्यू को वो मेंटेन करता है. दैट इज कॉल्ड फेज सिंक्रोनाइजर सर्किट. कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन की मदद से हम लोग फेज सिंक्रोनाइजर सर्किट बनाते हैं. तो उस कंट्रोल सिस्टम के लॉजिक को यहां पर यूज किया जाता है. कम्युनिकेशन पार्ट में हम केवल बोल देते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट है फेज सिंक्रोनाइजेशन, जिसके लिए एडिशनल सर्किट की रिक्वायरमेंट होगी, राइट. और एडिशनल सर्किट क्या करेगा, फेज को सिंक्रोनाइज करेगा. तो जो आपने ट्रांसमीटर सेक्शन में कैरियर लिया था एसी कॉस 2 पाई एफसीटी, सेम कैरियर यहां पर भी लेंगे, सेम सिग्नल का इस पर मल्टीप्लाई कराएंगे इस पर एएम सिग्नल पर, राइट. देखो सिंपल शब्दों में देखो, बहुत आसानी से आप इसको अब सॉल्व कर सकते हो, वेरी सिंपल मैनर. देखो आप इत्मीनान से समझना, सबसे फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम नीडेड था तो आपने ब्लॉक डायग्राम देख लिया. अब मैं स्टूडेंट इसको दो लाइन में सॉल्व कर देता हूं, विद इन टू लाइन. आई होप सो आप ये तीनों लाइनें लिख चुके हैं. और तीनों लाइनों का मतलब मैं लास्ट में डेरिवेशन कंप्लीट कराने के बाद एक बार फिर से बताऊंगा, राइट. तो फर्स्ट आपको इस डायग्राम को देखना है. इस डायग्राम की मदद से ये बात क्लियर हो रही है क्या, एक बार लिख चुके हैं सभी, कुछ स्टूडेंट्स मेंशन कर दें मुझे. द इंजीनियर्स होस्ट पर आज आपको रिप्लाई करना है. अगर आप लोग लिख चुके हो तो मैं इसको स्टार्ट करूं, अगर आप लोग यहां तक लिख चुके हो तो मैं इसको कैरी ऑन करूं. ओके ओके ओके. नाउ सी, आप यहां पर इस बात को देख पा रहे हैं कि आपके पास आफ्टर पासिंग थ्रू मल्टीप्लायर क्या वैल्यू बनेगी. अगर मल्टीप्लायर सर्किट को देखा जाए तो ये आइडिया लग रहा है कि यहां से मैं ऊपर वाले को भी रब कर देता हूं. आपको अभी तक ये आइडिया लग गया कि स्टूडेंट्स मैसेज सिग्नल में पहले एक हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई हुआ था, बैंड पास फिल्टर लगा था तो एएम आया था. अब जो एएम आया है उस एएम सिग्नल पर फर्दर आप क्या यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं फर्दर मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ सेम कैरियर सिग्नल. तो अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि यहां पर क्या आउटपुट बनेगा, देखो इस सर्किट पर मल्टीप्लायर के रिस्पेक्ट में आपने सेम कैरियर सिग्नल लिया. सो दिस इज सी ऑफ टी इज इक्वल टू एसी कॉस 2 पाई एफसीटी. मैं अभी लो पास फिल्टर की बात नहीं कर रहा, मैं केवल बात कर रहा हूं आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या होगा, राइट. तो मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई. अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई की बात करें, एक मिनट क्या लिख रहे हो, हेडलाइन क्या था, दैट इज सिंक्रोनस डिटेक्टर और कोहेरेंट डिटेक्टर. सिंक्रोनस डिटेक्टर और कोहेरेंट डिटेक्टर, ठीक है. देखो अब यहां पर आप अगर मेरी बात समझना,
एएम सिग्नल पर सेम कैरियर का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मल्टीप्लायर आउटपुट मिलेगा। सबसे फर्स्ट समझना स्टूडेंट्स, मल्टीप्लायर के लिए MUL लिख दिया, सफिक्स में आउटपुट लिख दिया। इतनी बात समझ रहे हैं क्या? ब्लॉक डायग्राम का पहले इस पार्ट को देख रहे हैं, एएम सिग्नल जिसका मल्टीप्लाई कैरियर सिग्नल से होगा तो आपके पास मल्टीप्लायर आउटपुट बनेगा। हमारा मोटो आज क्या है, एएम सिग्नल में ऐसा क्या करें, क्या ऐसी टेक्निक यूज करें कि मैसेज सिग्नल मिल जाए। तो अभी तक आपने दो पढ़ रखी है टेक्निक, एक स्क्वायर लॉ डिमोडुलेटर वहां से अचीव किया था, बहुत अच्छा नहीं था। फिर एनवेलप डिटेक्टर यूज किया था, अच्छा था, राइट, सर्किटरी भी आसान था, और बस ये प्रॉब्लम थी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 से 1 के बीच तक ठीक था, 1 से ऊपर मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स लो है तो भी ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्रिटिकल है तो भी ठीक है, बट अगर हाई लेवल ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ओवर मॉड्यूलेशन है, म्यू का मान 1 से ज्यादा है, तब दिक्कत देगा, राइट। मैंने कल आपको बताया था वहां पर मॉड ऑफ AC1+KMT को आउटपुट पर वैल्यू बनाता है, जिस पर मैसेज सिग्नल फेज डिस्टॉर्शन होता है स्टूडेंट्स, अपोजिट फेज बनता है नीचे वाले पर, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर डिमॉड्यूलेशन नहीं हो पाता, किसका, म्यू ग्रेटर देन 1 का, ये सबका कर सकता है, राइट। तो इसको अब हमें अचीव करना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट अभी केवल इतना समझे कि मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या होगा। मल्टीप्लायर आउटपुट शुड बी, सर लास्ट में लिखा था फेज एडिशनल सर्किट, हाँ, रितु फेज एडिशनल सर्किटरी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, जिसमें कंट्रोल सिस्टम में जब आपने पढ़ा था लीड लैग कंपनसेटर, तो वहां पर हमारे पास कंपनसेशन टेक्निक होती है कि हमारे पास कितना फेज इनपुट पर है उतने सेम फेज को यहां से अचीव करें, राइट, दैट इज फेज कंपनसेशन टेक्निक। वो सर्किट लगाएंगे जिसकी हेल्प से हम सेम फेज को बनाएंगे, ये इसका ड्रॉबैक है, तभी इसका सर्किट डायग्राम बड़ा हो जाता है, राइट। अब देखो मल्टीप्लायर आउटपुट का मतलब है एस एम ऑफ टी इनटू कैरियर सिग्नल सी ऑफ टी। स्टूडेंट्स अब मैं इस डायग्राम को हटा सकता हूं और अब प्रॉपर वे में इसको लिख सकता हूं। देखिए एस एम ऑफ टी की अगर मैं बात करूं, एस एम ऑफ टी की अगर मैं आपसे बात करूं, तो मुझे लगता है इतना सभी जानते हो कि एम सिग्नल क्या था, स्टैंडर्ड एम सिग्नल अपने पास था AC1+KA MT, राइट, इसके बाद cos 2π fc2। मुझे लगता है ये सिग्नल सबको याद होगा कि हमारे पास एम सिग्नल दिस था, एसी ब्रैकेट में 1+KA MT cos 2π fc2। एग्री। अब आपने सेम कैरियर सिग्नल जो आपने मॉड्यूलेटर सर्किट में लिया था उसी सर्किट के सेम कैरियर सिग्नल को यहां ले लिया, AC cos 2π fc2। जब आप ऐसा लेते हैं तो देखो क्या वैल्यू बनेगी, इसका मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा। अगर दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इस एसी का पहले अंदर गुणा कर दो तो टर्म आ गई एसी, और इस कॉस 2π fc2 का भी गुणा कर दो तो AC cos 2π fc2+ इसका अंदर गुणा कर दो तो एसी, ये वाला एसी आ रहा है और यहां से कॉस 2π fc2, AC KA m of t और कॉस 2π fc2। मुझे लगता है इतनी बात सभी स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे कि मैंने पहले इस सिग्नल पर दो पार्ट पर वैल्यू लिख ली, एसी का मल्टीप्लाई और कॉस 2π fc2 का मल्टीप्लाई, तो वैल्यू बन गई AC cos 2π fc2+ AC KA MT cos 2π fc2। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिखा है टर्म, इस पर और मल्टीप्लाई किसका कर रहे हो, कैरियर का, और इस कैरियर की वैल्यू कितनी है, AC cos 2π fc2। नाउ सी, अब आप अगर इस सिग्नल का, इस कैरियर का दोनों में मल्टीप्लाई करें तो कैन आई से कि एक बार स्क्वायर टर्म बन जाएगी, AC का स्क्वायर
और cos स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी प्लस फर्दर इसमें भी मल्टीप्लाई एसी एसी का मल्टीप्लाई एसी स्क्वायर बीच में था के ए एम ऑफ टी cos 2 पाई एफ सी टी cos 2 पाई एफ सी टी दैट इज cos स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी राइट। मुझे लगता है इतनी बात सभी को लॉजिकल क्लियर होगी, एज सच यहां तक कोई इशू नहीं है राइट। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है राइट। स्टूडेंट्स अप टू दिस कोई इशू तो नहीं है, डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई किया है और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब आप सभी जानते हैं ब्रेक कर सकते हैं राइट। तो आप कॉस स्क्वायर को ब्रेक करेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, कैन वी ब्रेक अप टू दिस, सभी को क्लियर है? मैं ब्रेक कर सकता हूं अब। अब मैं इसको स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी को cos स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी को ब्रेक कर सकता हूं। आपको याद होगा मुझे लगता है ये बात बहुत एलिमेंट्री है और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, तो इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं राइट। यस शिवम एनी क्वेरी? शिवम आपने हैंड रेज किया था, आप द इंजीनियर्स होस्ट पर अपनी क्वेरी भेजें, कोई डाउट था अगर। देखो इतना सिंपली सभी जानते हो cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, इसकी जरूरत मुझे हर जगह पड़ती है राइट, एवरीवेयर इस फार्मूले की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले को यहां पर भी यूज करते हैं। देखिए आप यहां आप देख सकते हैं, अगर आप एसी स्क्वायर को बाहर लिख लें क्योंकि cos स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी एक स्क्वायर कंपोनेंट है, तो पहले इसे हमें सिंगल कंपोनेंट में बनाना होगा फ्रीक्वेंसी के। तो मैंने क्या किया cos स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले से इसको ओपन किया, तो ये क्या बन गया 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, तो 1 प्लस cos 2, देखो 2 का गुणा थीटा में ये ऑलरेडी 2 पाई एफ सी टी है, तो कैन आई राइट 2 गुणे 2 का मतलब 4, 4 पाई एफ सी टी डिवाइड में एक 2 था तो डिवाइडेड बाई 2, एग्री। प्लस अगली टर्म फिर से देखिए ए सी स्क्वायर के ए एम टी है, आप इसको एज इट इज लिख लो ए सी स्क्वायर के ए एम ऑफ टी। फर्दर मुझे कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी को ब्रेक करना होगा और आप जानते हैं इस पूरे को मैंने थीटा मान लिया है, इस पूरे को मैंने थीटा मान लिया है, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो कैन आई राइट लाइक दिस, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 गुणे थीटा, तो 2 गुणे 2 मतलब 4, 4 पाई एफ सी टी अपॉन में 2। मुझे लगता है इतनी बात बहुत एलिमेंट्री है और सभी स्टूडेंट्स इतनी बात को समझ पा रहे हैं। नाउ अब यहां इस 2 को बाहर ले जाओ और अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिखो, तो कैन आई राइट ए सी स्क्वायर बाई 2 प्लस अगला ए सी स्क्वायर बाई 2 कॉस 4 पाई एफ सी टी। यस अगला देखिए प्लस में ए सी स्क्वायर के ए एम ऑफ टी बाई 2 प्लस ए सी स्क्वायर के एम ऑफ टी, इसमें किसका गुणा इस कॉस 4 पाई एफ सी टी का गुणा और डिवाइड में एक 2 भी आएगा। अब एक बात समझो, हमारे पास ये जो आउटपुट आ रहा है ये मल्टीप्लायर का आउटपुट है, ये किसका आउटपुट है मल्टीप्लायर। अब स्टूडेंट्स हमारा मोटो क्या था,
हमारा मोटो था कि हम केवल मैथ से सिग्नल को लेना चाहते हैं, बाकी सबको रिजेक्ट कराना है। तो इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लो पास फिल्टर की डिजाइनिंग करते हैं। इसकी डिजाइनिंग करते हैं लो पास फिल्टर, और यूजिंग लो पास फिल्टर हम लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करेंगे और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हटा देंगे, राइट। जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक करेंगे हमारा आउटपुट मिल जाएगा। अब आप इस सिग्नल से, ये जो सिग्नल आपको मिला है, क्या हुआ इसमें कोई इशू? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। अप टू दिस मुझे लगता है सभी को क्लियर है। अप टू दिस सभी को यहां तक क्लियर है? ठीक है, अप टू दिस कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक? ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां दो वर्क हमें और करने हैं, ठीक है, दो काम अभी और करने हैं। सबसे पहले मुझे मैसेज सिग्नल चाहिए। आप देखो आखिर मैसेज कहां कहां है। तो आपने देखा मैसेज सिग्नल वाली टर्म एक तो यहां है, दिस एम ऑफ टी, एक यहां भी है। बट अब इसके साथ दिक्कत है, मैसेज के साथ कैरियर भी मल्टीप्लाई में आ रहा है, और कैरियर पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 4πfc है। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इसकी 2fc होगी। तो आप याद करिए, क्या स्टूडेंट्स, ये वाला कंपोनेंट अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा तो क्या आपके पास, मतलब जब मैं इसका पल्स वाली फॉर्म बनाऊंगा तो आपके पास 2fc plus minus fm की इंपल्सेस आ जाएंगी। cos 4πfct है, तो अगर 4π को देखें तो 2π से जब कंपेयर करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा आएगा। तो एक कैरियर फ्रीक्वेंसी 2fc हो गई, fc की जगह कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी है यहां, डबल, राइट। और कैरियर फ्रीक्वेंसी में मैसेज सिग्नल का मल्टीप्लाई है। तो क्या स्टूडेंट्स, मैसेज सिग्नल का अगर हमें m ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म m ऑफ f पता होगा तो बाद में शिफ्टिंग नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब 2fc प्लस माइनस fm, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम पर वैल्यूज आएंगे। मैसेज सिग्नल पर अगर हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, और इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हमें क्या करना होगा, रिजेक्ट। तो मैं लो पास फिल्टर से जब इसको पास कराऊंगा, फिर से सुनो आप अगर मान लो स्पेक्ट्रम में कंफ्यूज भी होते हो, तो छोड़ो स्पेक्ट्रम, इतना तो आप समझते हो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का मल्टीप्लाई है। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल fc है, राइट, और यहां 2fc है। तो अगर fc होता 2fc भी है तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम लो पास फिल्टर पर पास नहीं होने देंगे। तो इसको क्या करा देंगे, रिजेक्ट यूजिंग लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर से जब इसको पास कराएंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की वजह से ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, यहां देखो जरा, ac² / 2 cos 4πfct, इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 2πfc से जब भाग दोगे, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 2π से जब भाग दोगे तो 2fc कंपोनेंट आएगा। तो 2fc, fc जहां भी है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, तो क्या लो पास फिल्टर से रिजेक्ट यूजिंग लो पास फिल्टर। जब आप लो पास फिल्टर डिजाइन करोगे तो पक्का है कि आपके पास, क्या लिख रहे हो, हाँ ठीक है, लो पास फिल्टर की वजह से हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल 4πfct और यहां भी 4πfct, ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। बचेगा क्या, मैसेज सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो ये वाला सिग्नल बचेगा, मैसेज सिग्नल वाला। तो दिस इज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, दिस इज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लो है, राइट, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई है। तो इन दोनों को लो पास फिल्टर से रिजेक्ट करा देंगे। इसके बाद यहां पर एक डीसी कंपोनेंट है। अब डीसी का मतलब देखो, डीसी क्यों बोल रहे हैं, ac² / 2 के साथ कोई साइन कॉस का मल्टीप्लाई तो है नहीं,
इसका मतलब ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक कांस्टेंट सिग्नल है, कैरियर का मान फिक्स होगा, कैरियर का एम्पलीट्यूड फिक्स होगा, मान लो 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 बटे 2 50, तो 50 की एक कांस्टेंट लाइन, इसका मतलब ये एक डीसी सिग्नल है और डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो दैट मींस ये भी एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये भी एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, इसका मतलब अपने पास लो पास फिल्टर से जो आउटपुट आएगा वो दो सिग्नल अभी पास होंगे, कौन कौन से, एक एसी स्क्वायर बाई टू और एक एसी स्क्वायर के एमटी बाई टू। कई बुक्स इस लो फ्रीक्वेंसी को भी रिजेक्ट करके ही लिख देती हैं डायरेक्ट, राइट, वो गलत नहीं है, दे आर एज्यूमिंग कि इंटरनल सर्किट पर जहां कैपेसिटर आगे लगाएंगे तो कैपेसिटर की हेल्प से डीसी ब्लॉक हो जाएगा, राइट, लेकिन इस बात को मैं आगे लिखूंगा। यहां तक क्लियर है, बोलो अप टू दिस क्लियर है सबको? शिवम सिंह यस, 2πfct, क्या डाउट है इसमें? कॉस स्क्वायर थीटा को जब ब्रेक करोगे तो 1 cos 2θ आएगा ना, तो 4πfct हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अपने पास एक्चुअल में, मैं ऊपर वाली टर्म हटा रहा हूं, लिख चुके होंगे आप लोग, मुझे लगता है ऊपर वाली टर्म सभी स्टूडेंट्स लिख चुके होंगे, अगर कोई टर्म समझ में नहीं आ रही हो तो वो एक बार आस्क कर लें, हटाने के बाद नहीं, मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैं इसको हटाने जा रहा हूं, लास्ट लाइन छोड़कर बाकी हटा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब यहां से आप देखो, अब यहां से अगर हम लोग देखें तो हम बोल सकते हैं इस पार्ट पर, अब देखते जाना एक एक करके, इस पर अब जो वैल्यू बन रही है यूजिंग बिकॉज ऑफ कैपेसिटर सर्किट इनसाइड, इस पर इनसाइड कैपेसिटर सर्किट भी होता है बिकॉज ऑफ, मैं लिख देता हूं नीचे लाइन, थोड़ा बेटर हो जाएगा, अभी हमें सर ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लायर आउटपुट, एक मिनट सॉरी, दिस इज मल्टीप्लायर आउटपुट, समझना, मल्टीप्लायर आउटपुट में हमारे पास 4 टर्म्स आई हैं, एक टर्म है एसी स्क्वायर बाई टू, अगली टर्म है एसी स्क्वायर बाई टू कॉस 4πfct, अगली टर्म है एसी स्क्वायर के एमटी बाई टू, एम ऑफ टी है मतलब, अगला लास्ट कंपोनेंट है एसी स्क्वायर के एम ऑफ टी कॉस 4πfct, सॉरी एक डिवाइड में 2 भी था। अब आप इसको, इस पूरे को जो मल्टीप्लायर से आउटपुट आया था, ब्लॉक डायग्राम याद करिए, मैंने ऐसा बोला था कि आप रिकॉल रखना स्टूडेंट्स, दिस इज एस ए एम ऑफ टी था, इसके बाद एक मल्टीप्लायर लगा था, इस मल्टीप्लायर का आउटपुट दिस था, मल्टीप्लायर आउटपुट, यहां आपके पास सी ऑफ टी का मल्टीप्लाई था कैरियर सिग्नल, तो ये आपको ये मिला, इसके बाद आपने क्या लगा रखा था, एक लो पास फिल्टर, क्या लगा रखा था, लो पास फिल्टर, तो अब आपको लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या मिलेगा वो देखना है, राइट, क्या देखना है, अब लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या मिलेगा, तो इस वैल्यूज पर मैं इस डायग्राम को हटा देता हूं, लो पास फिल्टर का आउटपुट मैं लिखने जा रहा हूं, थोड़ा प्रॉपर लोकर लिख लेते हैं इसको, तो स्टूडेंट्स अगर मैं लो पास फिल्टर का आउटपुट लिखूं
ठीक है लो पास फिल्टर का अगर मैं आउटपुट लिखूं तो जो बात मैंने नीचे समझाई थी वो आपको समझ में आ रही होगी। एक ऐसा फिल्टर डिजाइन करेंगे जो केवल लो फ्रीक्वेंसीज को पास करे और मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी को क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। इसका मतलब कैरियर की फ्रीक्वेंसी तो बहुत हाई होगी, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के सामने बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो आप आफ्टर पासिंग थ्रू लो पास फिल्टर, देखो यहां पर अगर आप बोलते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू लो पास फिल्टर, अगर आप इसको लो पास फिल्टर से पास करते हैं तो अब आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर क्या होगा, देखिए ये कंपोनेंट मैं फिर से लिख रहा हूं। तो लो पास फिल्टर का जो आउटपुट होगा, फिर से क्या लिखना है ऊपर वाले को देखो, लो पास फिल्टर में एक एसी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा प्लस, आप मुझे बताइए कॉस फोर पाई एफ सी टी मतलब एफ सी आर हाई फ्रीक्वेंसी टर्म, तो इसको क्या करेंगे रिजेक्ट, इसको क्या करेंगे रिजेक्ट। नेक्स्ट एसी स्क्वायर के एम टी बाई टू, क्या ये सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, मैसेज का मतलब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, सो दैट्स व्हाई दिस आल्सो कम्स इन टर्म्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। तो इस सिग्नल को आप क्या करेंगे पास करेंगे, मतलब एसी स्क्वायर बाई टू पास हुआ और एसी स्क्वायर के एम ऑफ टी बाई टू ये भी क्या होगा पास। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम है और आप खुद सोचो ना, वॉइस सिग्नल होगा, जनरल सिग्नल होगा स्टूडेंट्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कम है, लेकिन कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और यहां फिर कैरियर का मल्टीप्लाई है, तो अगेन इसको भी क्या करेंगे रिजेक्ट कराएंगे, क्रॉस लगाकर रिजेक्ट लिख सकते हैं। तो लो पास फिल्टर से अब अपने पास केवल दो वैल्यू बचेंगी, एक एसी स्क्वायर बाई टू और अगला एसी स्क्वायर के एम ऑफ टी बाई टू। मुझे नहीं लगता अब टू दिस कोई इश्यू होना चाहिए, अगर केवल इतनी वैल्यू बचेगी लो पास फिल्टर से केवल इतनी वैल्यू बचेगी, तो अब मुझे स्टूडेंट्स इस लो पास फिल्टर पर के साथ कुछ एडिशनल सर्किट की भी रिक्वायरमेंट होगी जो इंटरनली लगा होगा। क्या क्या लगा होता है, मतलब यूजिंग कैपेसिटर, क्योंकि हम इसमें एक एम्पलीफायर लगाएंगे, एम्पलीफायर वर्जन जब हम लगाएंगे ताकि हमारे पास प्रॉपर सिग्नल आ जाए, राइट। तो यहां हमारे पास ये जो वैल्यू होगी इस वैल्यू के साथ यूजिंग कैपेसिटर सर्किट, एम्पलीफायर पर पहले क्या लगा रखा होगा हमने कैपेसिटर, यूजिंग कैपेसिटर सर्किट कैपेसिटर विल ब्लॉक डीसी कंपोनेंट। कैपेसिटर किसको ब्लॉक कर देगा, डीसी कंपोनेंट। अगर कैपेसिटर डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा तो बताओ एसी स्क्वायर बाई टू भी ये कैसा कंपोनेंट है डीसी, इस कंपोनेंट को कैपेसिटर ने ब्लॉक कर दिया, कैपेसिटर डीसी को क्या कर देता है ब्लॉक, इट विल ब्लॉक डीसी। इसका मतलब अब अपने पास जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट बना केवल एसी स्क्वायर के एम ऑफ टी बाई टू। स्टैंडर्ड बुक्स ये कैप्चर वाली बात नहीं लिखती, वो वहीं पर लिख देती हैं कि लो पास फिल्टर के आउटपुट पर ये सिग्नल नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो लो पास फिल्टर के आउटपुट पर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एग्जिस्ट करेगा और डीसी सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो वो आएगा, बट उसकी ब्लॉकिंग किससे होती है कैपेसिटर से। तो बीइंग कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स ये बात दिमाग में होनी चाहिए कि एसी स्क्वायर बाई टू को हम ब्लॉक किससे कराएंगे, कैपेसिटर से। अगर कैपेसिटर की हेल्प से इसको हम ब्लॉक करा देंगे तो बचा क्या, एसी स्क्वायर के एम ऑफ टी बाई टू। ये जो वैल्यू बची है, हाँ, इस वैल्यू को फर्दर एक एम्पलीफायर सर्किट से पास करेंगे, यस, इसको फर्दर एक एम्पलीफायर सर्किट से पास करेंगे और सुटेबल डिजाइनिंग के द्वारा
केवल m ऑफ t को अचीव कर लेंगे। हाँ यस स्टूडेंट्स, यस यस यस। अब यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू पर अब हमारी कोशिश होगी, अब हमारी कोशिश होगी कि आप एसी स्क्वायर, ये केस फर्स्ट था, अभी इसका केस सेकंड भी ड्राइव करेंगे। अभी इसका एक केस सेकंड है, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, जिसमें देखेंगे। देखो यहां पर ये जो वैल्यू आई है, आफ्टर पासिंग थ्रू कैपेसिटर, लो पास फिल्टर से जो वैल्यू आई उसमें दो सिग्नल थे, दो में डीसी लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, इसको ये इतना लोवेस्ट है, जीरो फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हटाने का तरीका क्या था, कैपेसिटर। तो आगे हमने कैपेसिटर लगाकर इसको ब्लॉक करा दिया डीसी को, तो जब डीसी को ब्लॉक करा दिया तो बचा केवल क्या, एसी स्क्वायर के एम टी बाई टू। अब मुझे स्टूडेंट्स क्या करना है, एसी स्क्वायर के एम टी बाई टू को मैंने इस इनपुट को एसी स्क्वायर, ध्यान से देखना, के ए एम ऑफ टी बाई टू को भेजा है एक एम्पलीफायर पर, राइट। हाँ दिस इज कास्केड एम्पलीफायर, जनरली इसके अंदर लगा होता है। इस एम्पलीफायर वर्जन पर हम क्या करते हैं, ये जो कंपोनेंट होता है, ये जो कंपोनेंट होता है एसी स्क्वायर के बाई टू, राइट। अब के का मान जैसा भी होगा, तो एसी स्क्वायर के बाई टू को हटाना है, तो एम्पलीफायर वर्जन पर ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं सो दैट एसी स्क्वायर के बाई टू का उल्टा, राइट, एसी स्क्वायर के बाई टू का अपोजिट का यहां मल्टीप्लाई हो जाए, राइट। तो एम्पलीफायर वर्जन का गेन ऐसा सेलेक्ट करते हैं जो 2 अपॉन एसी स्क्वायर के, ताकि दिस एंड दिस कट हो जाए, तो एम्पलीफायर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे जिसका गेन क्या हो 2 अपॉन एसी स्क्वायर के, सो दैट आउटपुट पर आपको क्या मिल जाए, एम ऑफ टी। तो आप एक ऐसा एम्पलीफायर, सॉरी, एक ऐसा एम्पलीफायर स्टेज यहां रखते हैं जिस पर किस फंक्शन का मल्टीप्लाई हो जाए 2 अपॉन, जिसका गेन कितना हो 2 अपॉन एसी स्क्वायर के। आप सोचिए, अगर एम्पलीफायर का गेन, अगर एम्पलीफायर का गेन साइड में लिख रहा हूं 2 अपॉन एसी स्क्वायर के होता, तो ये जो वैल्यू अपने पास थी, ये जो वैल्यू अपने पास थी, क्या ये वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद, क्या ये वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद एसी स्क्वायर के ए एम टी बाई टू में अगर इस एम्पलीफायर गेन का मल्टीप्लाई किया जाए, क्या है इसका गेन 2 अपॉन एसी स्क्वायर के, तो देखो 2 से 2 कट गया, एसी स्क्वायर के बचा क्या, एम ऑफ टी। तो अल्टीमेटली एक ऐसा एम्पलीफायर डिजाइन करेंगे जिसका गेन कितना रखना है 2 अपॉन एसी स्क्वायर के, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके बेस पर इसका उल्टा इसका गेन बनाएंगे। तो एक एम्पलीफायर और लगेगा यहां पर, और एम्पलीफायर के बाद फिर आप कह सकते हैं कि आपको क्या मिल गया ओरिजिनली, मैसेज सिग्नल, क्या मिल गया, मैसेज सिग्नल। तो दिस इज केस फर्स्ट, दिस इज केस फर्स्ट, क्या बोल रहे हो, अच्छा लास्ट लाइन, देखो 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 सुन, मैंने ये बोला कोई भी, इससे पहले वाली लाइन तो क्लियर है, इतना बहुत एलिमेंट्री है, इतना नोन होता है जनरली आपको। यहां पर मैंने जस्ट ये बोला, जैसे एक बात बताओ आप मुझे, सिंपल वे में बताना, एक स्टूडेंट्स अपने पास एक स्टेज है, हाँ एक एम्पलीफायर है जिसका गेन ए है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, क्या रिलेशन होता है गेन का, लाभ का मतलब, इस गेन ए का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आउटपुट वैल्यू का मान कितना होगा, तो वी नॉट का मान क्या हो जाएगा, गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो ए बराबर वी नॉट अपॉन वी। अब अगर मैं वी नॉट की वैल्यू निकालूं तो क्या ए इंटू वी आई एन कह सकते हैं, यही तो आउटपुट होगा,
बोलो एक्सेप्टेड। अब वी नॉट बराबर ए इंटू वी इन में, ध्यान से सुनो, अगर यहां वी नॉट बराबर ए इंटू वी इन में मैं यहां ए का सिलेक्शन कुछ करूंगा तो क्या उसका वी इन में मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? तो यही बात तो मैं यहां कह रहा हूं। यहां मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे बोला कि आप इस वैल्यू को एज ए इनपुट ले रहे हैं, आपने इसको ए सी स्क्वायर के एम टी बाई टू को एज ए इनपुट भेजा, किस पर, ए, आपने इसको एज ए इनपुट भेजा, ठीक है, किस पर, एक एम्पलीफायर पर, राइट। और एम्पलीफायर का गेन, ये जो एम्पलीफायर है इसका गेन लिख देता हूं, एम्पलीफायर है इसका गेन डिजाइनर ने बनाया है 2/AC²KA, क्या बनाया है इसका मान, एम्पलीफायर का जो हमने डिजाइन किया वो क्या बनाया, 2/AC²KA। तो आउटपुट पर वैल्यू क्या आएगी बताओ, वी नॉट का मान क्या आएगा? तो आप मुझे बताइए अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करें तो क्या एम्पलीफायर का मान, एम्पलीफायर का गेन बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट होता है? बोलो। और अगर ये आउटपुट अपॉन इनपुट होता है तो हम क्या आउटपुट का मान लिख सकते हैं? और वी नॉट का मान क्या था, गेन इंटू वीन। आपको मैंने अभी बताया, जिन लोगों ने शायद एनालॉग जो थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं, जैसे ये गेन ए था और ये वी इन था और ये वी नॉट था, तो क्या ए बराबर वी नॉट अपॉन वी इन था, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आप क्रिया गुणा कर दो तो वी नॉट बराबर ए इंटू वी इन ही तो आया था, राइट। यहां देखो ये एम्पलीफायर का गेन कितना है दिस, और वी नॉट का मान चाहिए, तो बताइए अब वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, गेन इंटू वी इनपुट। तो गेन कितना है इसका, इसका गेन है 2/AC²KA, राइट। इस गेन में किसका गुणा, इनपुट का गुणा, और इनपुट क्या है आपके पास, बोलो, इनपुट है आपके पास AC²KA m(t)/2। अब आप मुझे खुद बताओ क्या क्या कट गया, क्या ये दो और दो कैंसिल, AC²AC² कैंसिल, KA KA कैंसिल, तो बचा क्या, मैसेज सिग्नल ही तो बचा m(t), तो ये तो डिजाइनर सेलेक्ट कर लेगा, ये सब लिखने वाली बात नहीं होती, मैं आपको जस्ट लिखकर समझा रहा हूं कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। तो बचेगा क्या अल्टीमेटली, मैसेज सिग्नल, और आपने जो सिग्नल भेजा है वही सिग्नल तो रिसीवर पर आना चाहिए, वही सिग्नल रिसीवर पर कलेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या आपको सेम ओरिजिनल सिग्नल कलेक्ट हो रहा है, यस। तो इसका मतलब आपने सिंक्रोनस डिटेक्टर अथवा कोहेरेंट डिटेक्टर से सेम मैसेज सिग्नल को रिकवर कर लिया। तो ये भी एक क्या टेक्निक है, डीमॉड्यूलेशन टेक्निक, राइट। एक बार मुझे यहां तक बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अप टू दिस, तो कोई इशू नहीं है अप टू दिस, तो कोई इशू नहीं है। ये नाम क्या लिखते हो स्टूडेंट्स, 1KL9PSST है, कुछ भी मतलब, अगली बार अपने आप बिल्कुल सही नाम से आओगे, अगर आओगे तो। और किसी का कोई डाउट इसमें, किसी का कोई डाउट इसमें अभी तक, केस फर्स्ट में किसी का कोई डाउट नहीं अभी तक, बोलो अगर प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स, अदरवाइज मैं आगे चल रहा हूं। इतना बहुत ज्यादा टाइम दे रखा है स्टूडेंट्स, इनफ टाइम था, मोर देन इनफ, ठीक है ओके। अब देखो यहां से अगर फर्दर हम लोग मूव करें केस सेकंड में, हाँ शशि देखो ब्लॉक मत करना, आ गया आपका मैसेज, शशि पांडे, राइट, ठीक है। देखिए
अब यहां पर ये केस फर्स्ट था जनरल केस, जिसमें हम कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहे। मुझे एक बात समझ में आई, लो पास फिल्टर जो होता है वो लो फ्रीक्वेंसी को पास कराता है, जिसमें डीसी भी पास होगा और ये भी पास होगा, लेकिन मुझे फर्दर इस डीसी को ब्लॉक कराना था। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी रिक्वायरमेंट थी मैसेज। तो मैंने क्या किया, इस डीसी को ब्लॉक कराने के लिए आगे सर्किट में कैपेसिटर लगा रखा होगा, कैपेसिटर ब्लॉक करेगा डीसी को, और फिर मैंने एक एम्पलीफायर लगा रखा होगा। ये एम्पलीफायर का गेन मैं कुछ ऐसा सेलेक्ट करूंगा 2/AC2K, सो दैट इस गेन की वजह से लास्ट में मेरे पास केवल क्या बचे, मैसेज, दैट इज M/T। अब देखो, अगर मैं इसके केस सेकंड की बात करूं, मान लो मेरे पास कोई फेज डिफरेंस भी बन रहा होता, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। देखेंगे केस सेकंड पर, प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, राइट, QNE, प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट प्रॉब्लम इज सीन ऑन विच टाइप ऑफ डिमोडुलेटर टेक्निक। तो आंसर होगा, किस डिमोडुलेटर सर्किट में क्वाड्रेचर नल इफेक्ट देखा जाता है। आंसर होगा सिंक्रोनस डिटेक्टर आर कोहरेंट डिटेक्टर। देखो क्यों ऐसी प्रॉब्लम यहां पर क्यों आती है। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखेंगे, जो हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन का पार्ट पढ़ रहे हैं, कम से कम इस पार्ट को, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट पर न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन और ऑब्जेक्टिव की कैलकुलेशंस, ऑब्जेक्टिव जो छोटे छोटे आते हैं वो एज इट इज हमें याद से होने चाहिए। इस समय स्टूडेंट जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, डे बाई डे कट ऑफ जिन पर भी आप देख रहे हैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर 100%। सभी स्टूडेंट्स अपना 100 दे रहे हैं और सीट्स लिमिटेड हैं, तो इसलिए इस समय आपको अपना एफर्ट थोड़ा सा बाकी से अच्छा लगाना होगा। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो एग्जाम्स में आ रहे हैं उनको और परफेक्ट लेकर चलो। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चोपर, साइक्लो कन्वर्टर, लास्ट में ड्राइव्स, इलेक्ट्रिक ड्राइव जो हम लोग कॉलेज लाइफ में पढ़ते थे, वो सारा पार्ट कंप्लीट करके चलिए। माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ माइक्रो कंट्रोलर को भी देखकर चलिए। पीएलसी स्कॉडा का भी थोड़ा बेसिक रखिए, बहुत ज्यादा नहीं कि पूरा सब्जेक्ट, इतना टाइम नहीं होगा ना इतना पढ़ पाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत लॉजिक माइक्रो कंट्रोलर का भी दिमाग में रखना है विद माइक्रो प्रोसेसर, सो दैट एग्जाम्स में ओरिएंटेशन अच्छा कर पाए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी स्टूडेंट्स जो कम्युनिकेशन का पार्ट पढ़ते हैं, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन में कोई भी छोटे पार्ट्स को मिस ना करें, कि सैटेलाइट छोड़ दिया, ऑप्टिकल फाइबर छोड़ दिया, नहीं कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ पढ़कर जाना है, थोड़ा थोड़ा पढ़कर जाओ। देखो एग्जाम निकालने के लिए कम से कम 4-5 सब्जेक्ट डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे, और छोटे छोटे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कम आते हैं, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा, बहुत डेप्थ में नहीं बट एटलीस्ट पढ़ना होगा। अब देखिए, अगर मैं केस सेकंड की बात करूं, तो नाउ सी, केस फर्स्ट तो क्लियर था जब कैरियर सिग्नल सेम मिल गया। अब केस सेकंड पर मैंने बोला कि इस बार एज्यूम लोकल ऑक्सीलेटर तो सब समझते हैं। लोकल ऑक्सीलेटर का मतलब एक ऑक्सीलेटर, एक दोलित होगा आपके पास जिस पर आप फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, तो वहां जनरेट करते समय लोकल ऑक्सीलेटर का जो आउटपुट है, एज्यूम लोकल ऑक्सीलेटर आउटपुट या लोकल ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी, लोकल ऑक्सीलेटर का आउटपुट AC cos, फ्रीक्वेंसी सेम है 2πfct, बट कुछ फेज डिफरेंस है इस बार, और वो फेज डिफरेंस कितना है, 5। कैरियर में फेज डिफरेंस, जो कैरियर सिग्नल था उस पर फेज डिफरेंस नहीं था, और आपने यहां पर फेज डिफरेंस ले लिया। इसका मतलब इस बार जो आपने कैरियर लिया है, ब्लॉक डायग्राम फिर से नहीं बनाएंगे, बस सुने, ये था SAM/T, यस। मैंने स्टूडेंट्स ये वाला डायग्राम क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये बैलेंस मॉड्यूलेटर के लिए यूज कर लेते थे, सो दैट्स व्हाई मैंने यहां मल्टीप्लायर वर्ड यूज किया है। क्या यूज किया है, मल्टीप्लायर, डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स मल्टीप्लायर प्रेफर करती है यहां, मल्टीप्लायर जिसके अंदर गुणा हो रहा है, और मल्टीप्लायर पर कौन सा सिग्नल है, C/T। इसके बाद अब जो आउटपुट पर आएगा
दैट इज मल्टीप्लायर MUL का आउटपुट, समझाने के लिए ऐसा लिख दिया है, MUL means मल्टीप्लायर, और फिर आप इसको किस पर भेजेंगे, विद द हेल्प ऑफ LPF, फिर आपके पास आउटपुट आएगा किसका, LPF का, और फिर कोई कैपेसिटर ब्लॉकर लगाएंगे, और फिर क्या लगा रहे होंगे आप, एक कोई एम्पलीफायर। हालांकि ये स्टेज इनमें नहीं दिखाई जाती स्टैंडर्ड डायग्राम में, स्टैंडर्ड डायग्राम का मतलब केवल ये होता है कि मैसेज सिग्नल वाली टर्म कैच किससे प्रॉपर होगी, दैट इज दिस। अदरवाइज इसके बाद लो पास फिल्टर के बाद क्या लगाते हैं हम, एक कैपेसिटर और फिर एक एम्पलीफायर। एम्पलीफायर से पहले कैपेसिटर लगता ही है, तो कैपेसिटर वर्ड को बोला नहीं जाता, और एम्पलीफायर गेन को प्रॉपर मेंटेन करता है कि कितनी वैल्यू आपको चाहिए। अब देखो, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इस बार मल्टीप्लायर आउटपुट क्या होगा, तो मल्टीप्लायर आउटपुट दिस इनटू दिस, तो एस एम ऑफ टी इनटू सी ऑफ टी। अच्छा ये बताओ, मैसेज सिग्नल में कोई फेज नहीं था, फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं था मैसेज सिग्नल में, तो मैसेज सिग्नल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला एसी ब्रैकेट में 1+ के ए एम ऑफ टी इंटू कॉस 2π एफ सी टी। और स्टूडेंट्स इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख लेता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि इन दोनों का मतलब प्रॉपर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और इनटू में ध्यान देना स्टूडेंट्स, सीटी का मतलब इस बार बदल गया, इस बार ये सिग्नल हमने क्या माना है, जो फेज डिफरेंस रखता है, तो एसी कॉस 2π एफ सी टी प्लस फेज डिफरेंस प्लस 5। तो अगर ये वैल्यू यहां लिखोगे तो दिस वैल्यू शुड बी एसी कॉस 2π एफ सी टी प्लस 5। तो बस इतना समझना है इस बार कि यहां इस बार जो वैल्यू है सिग्नल की, कैरियर की सॉरी, उस कैरियर में आपने फेज डिफरेंस को भी कंसीडर किया है। अगर आप फेज डिफरेंस को भी कंसीडर कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, तो फेज डिफरेंस कंसीडर करते समय एसी कॉस 2π एफ सी टी प्लस 5। हमने कैरियर पर फेज डिफरेंस कंसीडर किया है कहां, डीमॉडुलेटर सर्किट में, और जो ट्रांसमीटर सेक्शन था मॉडुलेटर उसमें वही सिग्नल है, उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं। इतनी बात मेरी क्लियर है क्या सबको, इतनी बात अगर क्लियर है तो मल्टीप्लाई करके सिग्नल को हम यूज कर सकते हैं। हाँ, स्टार्ट विद मल्टीप्लाई, ठीक है कविता, ओके ओके ओके। हाँ अब मल्टीप्लाई करो इसका, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू मैं ऊपर लिखूंगा इसको हटाकर, पहले लिख देता हूं यहां तक, दिस इज एसी यहां से कॉस 2π एफ सी टी प्लस एसी के ए एम ऑफ टी इंटू कॉस 2π एफ सी टी। ये आपके पास जो आया है इसमें फर्दर आपको मल्टीप्लाई कराना है एसी कॉस 2π एफ सी टी प्लस 5, ठीक है, इसका आपको फर्दर इसमें मल्टीप्लाई कराना है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है सेम प्रोसीजर यहां पर फॉलो कर सकते हो, स्टार्ट करो आप इसको। मैं ऊपर वाले फिगर को हटा देता हूं, वो केवल जस्ट मैंने समझाने के लिए बोला था। इसका मतलब ये है कि अगर फेज सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कॉस 2π एफ सी टी प्लस 5 आ रहा है, मान लो नो फेज सिंक्रोनाइजेशन, फेज का सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ, अगर फेज का सिंक्रोनाइजेशन होता तब तो 5 जीरो होता, लेकिन मान लो 5 का मान कुछ है, इसका मतलब आपने फेज इस वाले सिग्नल पर, आपने कैरियर पर कुछ फेज डिफरेंस ले लिया, तो जिसकी वजह से फेज सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, तो क्या दिक्कत आती है, उस दिक्कत को जरा समझें। अगर फेज सिंक्रोनाइज नहीं किया तो क्या बड़ी प्रॉब्लम है, यहां तक मेरी बात क्लियर होगी सभी को, ऊपर वाला डायग्राम मैं हटाने जा रहा हूं। हाँ ठीक है,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लिख लो यहां तक। ठीक है, अब देखो हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करके मैं बोल सकता हूं अब कि मल्टीप्लायर आउटपुट सबसे ऊपर लिखूंगा मैं, दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लायर आउटपुट। तो मैं सबसे ऊपर ये बात लिखता हूं अब, मल्टीप्लायर आउटपुट शुड बी, पहले इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो एसी का गुणा एसी से मतलब एसी स्क्वायर, फर्दर कॉस टू पाई एफ सी टी एक और एक कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस फाइव, कॉस टू पाई एफ सी टी इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस फाइव, इसके बाद प्लस लगाकर इस एसी का इस एसी से गुणा करोगे तो आपको एसी स्क्वायर टर्म मिलेगी, फिर मिला के ए एम ऑफ टी, कोई इशू नहीं होना चाहिए, और कॉस टू पाई एफ सी टी, कॉस टू पाई एफ सी टी और इसमें इस वाले कॉस का भी गुणा, तो इनटू कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस फाइव, राइट। मुझे लगता है एज सच यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दो का ऊपर नीचे गुना ठीक है ठीक है ठीक है, टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, सही है सही है। दो का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड वैल्यू बना सकते हो, क्योंकि अभी कॉस की दो वैल्यू मल्टीप्लाई पर है, ये वाला टर्म, हाँ देखो इधर ये वाली जो टर्म है इस टर्म पर यहां भी एक कॉस है, यहां भी एक कॉस है, ऐसे यहां भी कॉस की एक टर्म है फिर एक कॉस की टर्म है, तो क्यों ना हम यहां पर कॉस ए कॉस बी वाला फार्मूला बना लें, राइट। अगर मैं कॉस ए कॉस बी वाला फार्मूला बनाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाने के लिए, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ता, मैंने ऐसा बोला दो का ऊपर नीचे गुणा कर दो और यहां लिखा ए सी स्क्वायर बाय टू, और अंदर दो का गुणा करते समय इसको पहले लिख लिया cos 2 pi fct plus 5 into cos 2 pi fct, घबराना बिल्कुल नहीं, जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स है, देखोगे रिजल्ट अच्छे आते हैं इससे। ac square by 2 आ गया, फिर 2 cos a cos b plus, अब यहां देखो जरा, यहां पर इस पूरे टर्म पर ac square ka एम ऑफ टी पर भी दो का भाग और दो का गुणा, तो दो का गुणा करते समय मैंने इस कॉस पूरे को पहले लिख लिया, कॉस ए बना लिया इसको, टू पाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको कॉस ए बनाया किसको कॉस बी बनाया, राइट, कॉस माइनस फाइव ही कॉस फाइव होता है, तो टू कॉस ए इंटू कॉस टू पाई एफ सी टी। मुझे लगता है इतनी जनरल टर्म सब समझते हो कि यहां अपने पास क्या वैल्यू बन रही है, एक्सेप्टेड, यहां तक कोई इशू तो नहीं, यहां तक एज सच कोई इशू तो नहीं है, स्टूडेंट्स ओपन कर सकते हैं। टू कॉस ए कॉस बी का मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, जी ठीक बोल रहे हैं, इसका मतलब अगर आप इसको, ऐसा करना क्यों पड़ा, दो कॉस के कंपोनेंट है, अगर दो कॉस के कंपोनेंट है तो बेटर इज टू यूज, अगर दो कॉस के कंपोनेंट है दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो बेटर टू यूज सिंगल वैल्यू बनाना,
सिंगल वैल्यू के लिए टू कॉस ए कॉस बी हमने बनाया ताकि अलग अलग पता चल जाए। आपने इसको ए सी स्क्वायर बाई टू लिखा। फर्दर टू कॉस ए कॉस बी का मतलब कैन आई राइट कॉस ए प्लस बी, तो टू पाई एफ सी टी प्लस फाइव प्लस टू पाई एफ सी टी, तो कॉस ए प्लस बी हो गया, अंदर ही है ये ब्रैकेट के, प्लस कॉस ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी में टू पाई एफ सी टी प्लस फाइव, और इसको माइनस कर दो तो माइनस का टू पाई एफ सी टी, राइट। इसके बाद ऊपर वाली टर्म है, ऊपर वाली टर्म को मैं नीचे लिख देता हूं, प्लस ए सी स्क्वायर के, ए सी स्क्वायर के एम ऑफ टी बाई टू। नाउ स्टूडेंट्स अगेन सेम वैल्यू है टू कॉस ए कॉस बी, तो अगर हम इसको भी ओपन करें तो कॉस ए प्लस बी टू पाई एफ सी टी, इसको ए मान लिया, आप बोल सकते हैं दिस इज ए दिस इज बी, यहां भी आपने इसको ए एज्यूम कर लिया और इसको बी एज्यूम कर लिया, तो मैं कह सकता हूं अब कि कॉस, हाँ ठीक है ठीक है, अब यहां से आप बोल सकते हो कि कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस टू पाई एफ सी टी, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, कॉस फोर पाई एफ सी टी प्लस फाइव। डरना नहीं स्टूडेंट, देखो फार्मूले बनाते समय डरना नहीं है आपको, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर वाले फार्मूले को मैं ओपन कर रहा था, सॉरी। अभी मैं स्टूडेंट्स इस वैल्यू को लिख रहा था, सॉरी इस वैल्यू को फर्दर मैं नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां, तो आप जब टू कॉस ए कॉस बी ओपन करोगे तो दिस बिकम्स कॉस ए प्लस बी, तो टू पाई एफ सी टी प्लस फाइव प्लस टू पाई एफ सी टी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ए से बी को घटा दो तो टू पाई एफ सी टी प्लस फाइव माइनस का टू पाई एफ सी टी। बहुत छोटी बात है, बहुत एलिमेंट्री बात है और इतना आप सब जानते हो। अब इसमें मुझे सिंपली ये बताओ, क्या यहां तक स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, अप टू दिस सभी को क्लियर है? चलो अगर ये क्लियर है तो इसको आप प्रॉपर होकर थोड़ा लिख लेते हैं, इसको थोड़ा प्रॉपर होकर लिख लेते हैं हम लोग जी। देखो डेरिवेशन कहीं नहीं आने, डेरिवेशन कहीं नहीं आने, अपने को जो वन लाइनर स्टेटमेंट है, जैसे आएगा एग्जाम में क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, तो उसका नाम हम तभी समझ पाएंगे जब ये डेरिवेशन हमने देख रखा होगा, राइट। बाकी डेरिवेशन का कोई यूज नहीं है कि ऐसा कुछ एग्जाम में आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो अच्छा रहेगा। और मैंने आपको बताया भी है कि प्योरली मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जितना मैथमेटिक्स आप यहां पर अपनी अच्छी रखोगे उतना ही आप जल्दी क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। अब देखो मैंने जैसा भी आपसे बोला कि अगर इसको एक सिंगल लाइन पर लिखना चाहें तो ये अब फोर टर्म बना रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू, ये सभी समझ गए, इसमें अंदर था टू कॉस ए कॉस बी, उसको नीचे ओपन कर लिया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ऐसे ही अंदर यहां भी टू कॉस ए कॉस बी था, तो इस वाली लाइन को हमने नीचे लिखा है, पहले वो फैक्टर बाहर वाला, फिर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। नाउ स्टूडेंट्स आई कैन से कि अगर मैं टर्म को लिखूं तो देखो आप बोर्ड पर देखना, ए सी स्क्वायर बाई टू में एक फैक्टर कॉस टू पाई तो कैन आई से कॉस फोर पाई एफ सी टी प्लस फाइव। मुझे नहीं लगता कि इस पहली लाइन को समझने में किसी को भी दिक्कत है, फर्स्ट स्टेप क्लियर। फर्स्ट के बाद इस ए सी स्क्वायर बाई टू का गुणा इस वाले टर्म पर भी होगा। अब देखो प्लस का टू पाई एफ सी टी माइनस का टू पाई एफ सी टी कट गया,
आया क्या cos phi। फिर इसके बाद हम नीचे वाली लाइन को भी लिखते हैं, तो प्लस ए सी स्क्वायर के ए एम ऑफ टी बाय टू इन टू। अब देखो cos का एक टर्म 2 पाई प्लस 2 पाई एफ सी टी, दोनों को अगर जोड़ दोगे तो दिस विल बिकम्स cos 4 पाई एफ सी टी प्लस 5। चेक कर लेना आप लोग, और फर्दर अंदर इसका गुणा होगा। अगर अंदर इसका गुणा करोगे तो ये वैल्यू ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो फर्दर अंदर इसका गुणा करोगे तो माइनस 2 पाई एफ सी टी और प्लस 2 पाई एफ सी टी कैंसिल हो गए, तो क्या बचा प्लस। पहले इस फैक्टर को लिखो, वो फैक्टर था ए सी स्क्वायर के ए एम ऑफ टी बाई टू और इनटू में क्या बचेगा कॉस का फाइव, कॉस फाइव। एक बार यहां तक आप मुझे बताओ अप टू दिस स्टेप, यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? मल्टीप्लायर आउटपुट हम लोग लिख रहे हैं, ये लास्ट वाला स्टेप अभी तक कहीं दिक्कत तो नहीं दे रहा मल्टीप्लायर आउटपुट। अप टू दिस लास्ट स्टेप तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर मैं आगे आपको बताऊं लो पास फिल्टर। अभी तक ये मल्टीप्लायर आउटपुट की बात है, लो पास फिल्टर। गुड गुड वेरी करेक्ट करेक्ट पिंकी करेक्ट करेक्ट ओनली। क्लियर, मुझे लगता है यहां तक सभी को क्लियर है, अप टू दिस कोई इशू नहीं है। ओके थैंक यू। नाउ सी, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक लो पास फिल्टर को पास आउट कराऊं लो पास फिल्टर से इस वैल्यू को, तो अगर आप लो पास फिल्टर से इसको पास कराएंगे, इस पूरी वैल्यू को किससे पास कराएंगे अब लो पास फिल्टर, तो लो पास फिल्टर इज डिजाइंड इन सच अ वे, लो पास फिल्टर इज डिजाइंड, लो पास फिल्टर इज डिजाइंड इन सच अ वे, इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट विल पास ओनली लो फ्रीक्वेंसी, इट विल पास ओनली लो फ्रीक्वेंसी, ओनली लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो ये केवल लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करेगा, राइट? और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पर हमने क्या एज्यूम किया है, मैसेज सिग्नल। कैसा सिग्नल? मैसेज सिग्नल। अब आप मुझे बताइए, अगर अपना मैसेज सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक करना है। देखते जाओ कहां कहां कॉस एफ सी टर्म है, तो देखो कॉस 4 पाई एफ सी वाली टर्म है, तो इस टर्म को ब्लॉक करा देंगे, राइट? इसको क्या लिखेंगे, रिजेक्ट, दिस इज रिजेक्ट। अगला सुनो सुनो सुनो, ए सी स्क्वायर बाई टू कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, कैरियर का एम्पलीट्यूड मान लो 5 वोल्ट 2 वोल्ट 1 वोल्ट कुछ भी है, तो एक का स्क्वायर बटे दो तो एक बटे दो। कॉस फाइव, फाइव का मान कुछ होगा 30 40 60 50 80 कुछ भी, तो उससे वैल्यू आ जाएगी कॉस फाइव की, तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू कैसा सिग्नल, दिस इज डीसी। कैसा सिग्नल? डीसी। फिर मैसेज मल्टीप्लाई हो रहा है हाई फ्रीक्वेंसी, देखो कॉस 4 पाई एफ सी टी, तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को फिर से क्या कराएंगे, रिजेक्ट, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रिजेक्ट। लो पास फिल्टर में मैसेज वाले को पास कराना था, तो मैसेज के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू ए सी स्क्वायर के बाई टू कॉस फाइव इसका मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, कॉस फाइव का तो न्यूमेरिक मान होगा ना, इससे क्या घबराना है, कॉस फाइव का कोई न्यूमेरिक मान होगा, दिस होगा दिस होगा दिस होगा दिस होगा, राइट? तो ये वैल्यू आएगी। अब इसके बाद बताओ आफ्टर पासिंग थ्रू लो पास फिल्टर क्या मैं बोल सकता हूं, नीचे इस लाइन को जरा समझेंगे,
पासिंग थ्रू लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर से अब जो आउटपुट आएगा उसमें केवल दो सिग्नल आएंगे, एक एसी स्क्वायर बाई टू कॉस फाइव प्लस, और कहां था लास्ट वाला, तो ये दोनों ही तो पास हो रहे हैं, ये दोनों पास हो रहे हैं केवल, एसी स्क्वायर बाई टू कॉस फाइव प्लस एसी स्क्वायर बाई टू सॉरी एसी स्क्वायर के एम ऑफ टी कॉस फाइव। अब बताओ संधारित्र की सहायता से कैपेसिटर को लगाकर क्या अब हम इस डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक भी कर सकते हैं? तो यूजिंग कैपेसिटर ध्यान रखना स्टैंडर्ड बुक्स में लो पास फिल्टर के बाद इंटरनली मानकर चला जाता है कि हमने कैपेसिटर और एम्पलीफायर लगा रखा है। मैं आपको प्रॉपर समझाने के लिए एक एक टर्म को अलग अलग लिख रहा हूं, राइट मैं एक एक टर्म को प्रॉपर अलग अलग लिख रहा हूं। जी क्या लिख रहे हो? मैंने ये लिखा था लो पास फिल्टर इज डिजाइन इन सच ए वे दैट इट विल पास ओनली लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ये केवल लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करेगा, दैट इज मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल हमारा लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है। सो दिस इज लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के ब्रैकेट में लिखा है मैसेज सिग्नल, राइट। अब देखो जो वैल्यू अपने पास आ रही है लिख लिया होगा आपने, हाँ ठीक है। अब जो अपने पास कंपोनेंट आ रहा है इस कंपोनेंट पर ध्यान से सुनना, कॉस फाई का कुछ न्यूमेरिकल मान होगा, अरे फाई कोई एंगल होगा ना, तो एंगल की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और एसी का स्क्वायर बटे दो, तो क्या ये पूरी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है? इस कंपोनेंट को हम क्या कह सकते हैं? डीसी कंपोनेंट। तो क्या इस कंपोनेंट को अगर कैपेसिटर से पास कराया जाए पूरे को तो ये ब्लॉक नहीं हो जाएगा? तो आफ्टर पासिंग थ्रू कैपेसिटर मैं लिख सकता हूं, देखो आफ्टर पासिंग थ्रू कैपेसिटर आई कैन राइट लाइक दिस, अगर मैं ऐसा लिख दूं इसको कि यदि हम इसको कैपेसिटर से पास कराएं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा इसके बाद, इसमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, और जो आज आप लोगों की मैंने डिवाइस वाली क्लास भी स्टार्ट कर दी है, तो डिवाइस वाली क्लासेस को स्टूडेंट्स एज इट इज कोशिश करिए कि क्लास में ही कंप्लीट करते रहें, आप लोग कम्युनिकेशन को भी क्लास में ही कंप्लीट करते रहें, उसके बाद अगर एज सच कभी कोई डाउट बनता है देन यू कैन रिकॉल ऑल्सो, और उसको रिकॉल करने के बाद फिर कभी 10 से 15 दिन में एक बार वापस से चीजों को देख लेना है, क्योंकि स्टूडेंट दीज आर टेक्निकल थिंग्स, ये कोई ऐसा नहीं है रामायण महाभारत इतिहास भूगोल कुछ वैसी थिंग्स हैं, इन चीजों को एक बार 15-20 दिन बाद टेक्निकली ओरिएंट जरूर कर लेना है। देखो अब अगर मैं अब लो पास फिल्टर के आउटपुट को, मैंने क्या बोला समझना, नाउ वी आर यूजिंग कैपेसिटर आफ्टर लो पास फिल्टर आउटपुट, सो कैपेसिटर विल ब्लॉक डीसी, कैपेसिटर विल ब्लॉक डीसी। अगर कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देगा तो बचेगा क्या अपने पास? अगर कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देगा तो इस समय अपने पास आउटपुट क्या आएगा? इस समय आउटपुट की वैल्यू आएगी, कैपेसिटर ने किसको ब्लॉक कर दिया स्टूडेंट? डीसी को, तो ये वाला कंपोनेंट ब्लॉक कैंसिल, तो केवल क्या बचा? अब ये वाला कंपोनेंट बचा, इस कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया, इतना समझ गए कि ये डीसी कंपोनेंट था, कॉस वास कुछ भी लगाओ, कॉस फाई था ना तो इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और एसी स्क्वायर बाई टू भी आप जानते हैं कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो अल्टीमेटली न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मान लो 10-15-20 कोई कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो का मतलब डीसी सिग्नल, और डीसी सिग्नल को हमें क्या कराना है? ब्लॉक कराना है, तो डीसी को ब्लॉक करा दिया विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर, तो आउटपुट में अब क्या आएगा? केवल और केवल आएगा
ac square by 2 ke m of t into cos phi, राइट right? ये आपके पास आउटपुट आया। अब जो आउटपुट आया है, ध्यान से देखो, इस आउटपुट पर क्या दिक्कत आ रही है, इस आउटपुट के साथ क्या दिक्कत आ रही है, इसको समझेंगे। हाँ हाँ, इसको आपको समझना है। यहां तक क्लियर है? एक बार मेरे को यहां तक बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एज सच? यहां तक कोई इशू कि सर ये लाइन समझ में नहीं आई? कोई ऐसी टर्म जो समझ नहीं पाए हूं? सब कुछ क्लियर है यहां तक? पंकज लास्ट लाइन, ओके। देखो लास्ट लाइन पे मैंने आपसे ये बोला था, एक बार फिर से सुन लीजिए, ये वाली जो लाइन थी, इस लाइन को हम कहते हैं मल्टीप्लायर का आउटपुट। इसके बाद आपने एक लो पास फिल्टर लगाया, तो लो पास फिल्टर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है और हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, राइट? तो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को वो पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक करेगा। तो देखो एसी स्क्वायर बाई टू कॉस 4πfct+5, तो इसका मतलब कॉस का हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, एफसी कैसा कंपोनेंट, कैरियर फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज, कैसा सिग्नल है, मेगाहर्ट्ज, और आप किसी किलोहर्ट्ज तक की बात कर रहे हैं पास करने की, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ब्लॉक। इसके बाद एसी स्क्वायर बाई टू कॉस फाइव, ये एक ऐसा सिग्नल है जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का मल्टीप्लाई नहीं, तो ये सिंपली एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो। कॉन्स्टेंट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो, राइट? दैट इज डीसी। तो ये एक डीसी सिग्नल है, डीसी अभी पास होगा, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। अरे जीरो फ्रीक्वेंसी लो ही तो होती है, तो ये पास हो जाएगा। फिर देखो एसी स्क्वायर के एम टी बाई टू के साथ कॉस 4π एफसी, फिर मेगाहर्ट्ज सिग्नल, तो मेगाहर्ट्ज को फिर से ब्लॉक कर दो। फिर बचा क्या, एसी स्क्वायर के एम टी बाई टू कॉस 5, तो एम टी एक ऐसा वैल्यू है जो लो वैल्यू है, मैसेज सिग्नल कैसा है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो ये वाला भी पास और ये वाला भी पास, बाकी सब ब्लॉक हो गए, तो ये दोनों ब्लॉक हो गए, रिजेक्ट हो गए, तो जो बचा वो ये था। अब उसमें ये सिग्नल डीसी था, तो क्यों ना इस डीसी को भी ब्लॉक करा दें, तो कैपेसिटर की मदद से इसको भी ब्लॉक करा दिया, तो लो पास फिल्टर के आउटपुट में दोनों आएंगे। और फिर आपने यूजिंग कैपेसिटर आफ्टर लो पास फिल्टर, कैपेसिटर ने डीसी को ब्लॉक कर दिया, तो अब बचा ये, तो ये फाइनल आउटपुट आएगा। पंकज अब क्लियर है क्या? ओके फाइन, हाँ हाँ अभी कराएंगे, कराएंगे स्टूडेंट्स, डोंट वरी, अभी कराएंगे। देखो अब क्या है, अगर यहां पर हम बात करें, अभी नहीं पास कराएंगे, वेट करो अभी कराएंगे, ठीक है? देखो अगर हम बात करें, क्या दिक्कत है ना, उस दिक्कत को भी पहले समझ लो। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि केवल मैथमेटिक्स लगा देनी है, यहाँ थोड़ा सा बात को प्रॉपर अंडरस्टैंड करो। बस एक लाइन बची है, आफ्टर वन लाइन वी हैव कंप्लीटेड दिस वन। देखो मान लीजिए मैंने समझाने के लिए फाई की कुछ डिफरेंट वैल्यूज एज्यूम की, ठीक है, फाई की कुछ डिफरेंट वैल्यू एज्यूम की। तो अगर मैं फाई की कुछ डिफरेंट वैल्यू एज्यूम करता हूं, तो मेरा मोटो यहां पर कुछ ऐसा था कि आप फाई बराबर जीरो भी ले लो, 60 ले लो, 30 ले लो, ऐसी कुछ वैल्यू सेलेक्ट कर लो। तो मैं एक एक करके इनका सिलेक्शन करता हूं, और जिस वैल्यू से मुझे लेना देना है, जिसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी है, उसको मैं अभी समझाता हूं। देखो अभी आप लोग लिख रहे हो कि सर इसको एम्पलीफायर से पास नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, वेट करो। मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल पास कराएंगे, अभी वेट करिए। देखो दिक्कत भी पहले समझ लो ना आप, क्या ये कॉस फाइव फिक्स है क्या, किसको हटाना है? इसको तब हटा पाओगे जब आपको कॉस फाइव का मान पता हो। अब आप खुद सोचो,
अगर मान लीजिए फाई का मान जीरो होता, कितना होता? जीरो। तो देखो तब अपने पास आउटपुट क्या आता? आउटपुट बराबर एसी स्क्वायर के एम टी बाई टू। कॉस जीरो कितना होता है? क्या कॉस जीरो वन नहीं होता? इसका मतलब कॉस जीरो वन होता तो अगर फेज डिफरेंस जीरो है तो ये परफेक्टली सिंक्रोनाइज था, मतलब फेज डिफरेंस था ही नहीं। पिछला केस परफेक्टली सिंक्रोनाइज, तो इसका मतलब आउटपुट का मान तब क्या बन जाता? केसी स्क्वायर के एम टी बाई टू, ठीक है। लेकिन अब इस आउटपुट का मान, राइट, इस आउटपुट को एज ए इनपुट, इस आउटपुट को एज ए इनपुट हमने भेजा, ये वैल्यू क्या थी? एसी स्क्वायर के ए एम ऑफ टी बाई टू, यही तो आ रहा है। इसको भेजा एक एम्पलीफायर पर, ठीक है, कास्केड एम्पलीफायर ऑलरेडी होता है यहां पर, और फिर हमने इससे आउटपुट प्रॉपर पता किया। दिस इज आउटपुट का मतलब है फाइनल आउटपुट। कौन सा आउटपुट? फाइनल। ये वाला आउटपुट एज ए इनपुट यहां भेजा, राइट। तो बताओ आउटपुट फाइनल की वैल्यू क्या होगी? फाइनल आउटपुट, आउटपुट फाइनल शुड बी, इस बार आपने एम्पलीफायर में गेन कितना डिजाइन किया होगा? गेन डिजाइन किया होगा आपने 2 अपॉन एसी स्क्वायर के ए, राइट। अब इनकी वैल्यू होगी जो भी, ये अगर आपने डिजाइन किया तो बताओ इसका इससे मल्टीप्लाई होकर ही तो आउटपुट आता है। तो अगर मैं लिखूं तो क्या वैल्यू लिख सकता हूं? एम्पलीफायर का गेन कितना है? 2 अपॉन एसी स्क्वायर के ए इनटू, पिछले बार की तरह ये वैल्यू लिख लो, तो एसी स्क्वायर के ए एम ऑफ टी बाई टू, दो से दो कैंसिल, एसी स्क्वायर के ए से के ए कैंसिल, तो बचा क्या? आ गया क्या मैसेज सिग्नल? तो क्या ये वही केस नहीं हो गया जो पिछले बार पढ़ाया था? फाई का मान अगर जीरो है, इसका मतलब सेम आंसर जो पिछले बार निकाला था, फाई बराबर जीरो में, बताओ स्टूडेंट्स कोई दिक्कत? फाई बराबर जीरो में सेम वैल्यू नहीं आ जाएगी? हाँ हाँ, अगर बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फाई की वैल्यू अगर आपने जीरो बनाई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मान लो अगर फेज, देखो फेज सिंक्रोनाइजेशन होने का फायदा था, अगर फेज सिंक्रोनाइज हो जाता, अच्छा ये स्टेप तो क्लियर है ना, इसको एज ए इनपुट लिया और अंदर एमटी को छोड़कर जो वैल्यू लिखी है उसका उल्टा अंदर बनाएंगे, ताकि इसका गुणा जब इसमें हो तो बाकी वैल्यू कट जाए और क्या वापस मिल जाए? एमटी मैसेज सिग्नल, राइट। तो प्रॉपर रिकवर हो जाएगा मैसेज सिग्नल। अब मान लो थोड़ी देर के लिए गलती से मान लो फाई का सिलेक्शन गलत हो गया और फाई का सिलेक्शन हो गया 7। 30 भी कर सकते हो, मतलब वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया फाई बराबर 60, ठीक है, ऐसे ही कुछ मान लिया। अब जब फाई 60 है स्टूडेंट्स, तो बताओ आउटपुट का मान क्या आएगा? आउटपुट शुड बी एसी स्क्वायर बाई टू, हाँ, फिर के ए एम ऑफ टी कॉस 60। अब बताओ कॉस 60 का मतलब क्या होता है? क्या कॉस 60 का मतलब 1/2 है साइन 30? तो 1/2 का मतलब एसी स्क्वायर बाई 4 के एम ऑफ टी। अब जितने लोग मुझसे कह रहे थे कि सर पहले ये एम्पलीफायर लगा दो, अब लगाएंगे एम्पलीफायर। जब मैं स्टूडेंट्स एम्पलीफायर लगाऊंगा, ध्यान से सुनना, तो एम्पलीफायर पर इस आउटपुट को एज ए इनपुट लेंगे, मतलब आपने एम्पलीफायर पर एक एम्पलीफायर लिया और इस बार एम्पलीफायर का गेन क्या लेंगे? देखो इस बार लेंगे 4 अपॉन एसी स्क्वायर के, उल्टा लेंगे 4 अपॉन एसी स्क्वायर के ए, ये गेन सेलेक्ट करेंगे। अगर ये गेन लेंगे तो अपने पास आउटपुट क्या आएगा? जो आउटपुट आएगा उसको बोलेंगे अब
फाइनल आउटपुट, आउटपुट का फाइनल मान, राइट। तो फाइनल आउटपुट अगर हम लिखें तो देखो ये एज ए इनपुट काम कर रहा है, ये आउटपुट यहां एज ए इनपुट जा रहा है, और इनपुट पर कौन सी वैल्यू जा रही है, दैट इज पूरी वैल्यू लिख दो, ए सी स्क्वायर के ए बाई फोर इंटू एम ऑफ टी। तो आउटपुट फाइनल कितना आ जाएगा, फाइनल आउटपुट विल बी दोनों का गुणा, तो ए सी स्क्वायर के ए एम ऑफ टी बाई फोर इंटू फोर अपॉन ए सी स्क्वायर के। क्या क्या कट गया, क्या इस बार ए सी स्क्वायर के ए सी स्क्वायर के चार चार कट गया, फिर से क्या आ गया मैसेज। तो अगर फेज डिफरेंस रहा भी और आपने एम्पलीफायर सही डिजाइन कर लिया तो क्या स्टूडेंट सेम आउटपुट नहीं ले आओगे, बोलो सेम मैसेज सिग्नल ही नहीं मिल गया, जबकि फेज डिफरेंस तो है। क्या निवेदता मेरी बात क्लियर है कि मैंने पहले एम्पलीफायर क्यों नहीं लिया था। हाँ रोली रुक जाओ, वेट करो वेट करो, डोंट बिकम आइंस्टीन हियर। हाँ आ रहे हैं मत घबराओ। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है, अगर कोई फेज डिफरेंस 60 डिग्री भी हो जाता, फेज डिफरेंस 30 डिग्री भी हो जाता, तो 60 या 30 डिग्री होने पर, जीरो होने पर मैं एम्पलीफायर के अंदर का गेन बदल लेता, राइट, और उसका मल्टीप्लाई करा देता, तो अब मैं सेम मैसेज सिग्नल अचीव कर लेता। मान लो 30 भी होता तो यहां रूट 3 बटे 2 जाता, तो रूट 3 बाई 4, तो 4 अपॉन रूट 3 ए सी स्क्वायर के उससे करा देते गुणा, तो सेम आ जाता मैसेज, राइट। लेकिन लेकिन स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है कहीं गलती से अगर फाई का मान 0 की जगह 30 की जगह 60 की जगह 90 होता, क्या होता 90, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, सॉरी दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। मैसेज खत्म, मैसेज सिग्नल ही 0 हो जाता, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विद दिस मेथड। अगर फेज डिफरेंस 90 होता, अगर फेज डिफरेंस 90 होता, अच्छा ये सब समझते हो आप लोग कि इसमें cos 60 का मान 1/2 था तो ये ac स्क्वायर k बटे 4, अब एम्पलीफायर का गेन इसका उल्टा बना लो, राइट, क्लियर है सबको। तो वैल्यू फिर से क्या आ गई मैसेज, इस बात को अगर मैं इस केस से समझाता, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इस केस से समझाता, इत्मीनान से सुनना, इत्मीनान से घबराना बिल्कुल नहीं, इत्मीनान से सुनो, अगर मैं इसको ऐसा कर लेता, मुझे लगता है यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर थी, बस ये लास्ट लाइन लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके लिए हमने इस डेरिवेशन को फिर से पढ़ा, ठीक है, केवल इसी लाइन के लिए हमने इस डेरिवेशन को फिर से पढ़ा। तो बोला गया, ये मैं हटा देता हूं, हाँ वो वाला लिखा है अभी, स्टेप सेम है, पढ़ चुके हो, कोई इश्यू नहीं है जी। अब देखो, मान लीजिए इस बार फाई का सिलेक्शन, अगर फाई का सिलेक्शन गलती से 90 होता, मतलब अगर आपने जो सिग्नल लिया है, ये थर्ड केस मैं ले रहा हूं, फाई बराबर 90, इसी पर हेडिंग डाल लेना, इसी पर आप हेडिंग डाल लेना क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, क्यू एन ई, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्यू एन ई, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, क्यू एन ई, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। अब इसको थोड़ा समझो, अगर एग्जामिनर कहता है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट वाली प्रॉब्लम, तो क्या दिक्कत आ रही है, आपका जो आउटपुट आया था अभी तक वो आउटपुट था दैट इज ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई टू कॉस फाइव,
यही था स्टूडेंट्स। फाई का मान कितना रख रहे हो? 90। अगर आपने फाई का मान 90 रखा, अभी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम लोग वैल्यू सेम आउटपुट बना लेते थे मैसेज, राइट? मतलब एम्पलीफायर का वर्जन लेकर कुछ ऐसी डिजाइनिंग करते थे कि एम ऑफ टी मिल जाता था। बट अगर कॉस 90 आ गया, आप खुद सोचें, अगर कॉस 90 आ गया तो क्या कॉस 90 जीरो नहीं होता? और जीरो का गुणा किसी से भी करो तो क्या स्टूडेंट्स आउटपुट जीरो आ जाता? और आउटपुट जीरो आने का मतलब अब एम्पलीफायर में कुछ भी गुणा करा लो, जीरो से किसी का भी गुणा करा लो, जीरो ही आएगा। तो फाइनल आउटपुट भी आउटपुट फाइनल की अगर बात करें तो भी क्या आता? तो भी जीरो आता। दैट इज द प्रॉब्लम। इसका मतलब एक नई प्रॉब्लम, भेजा था सिग्नल, मैसेज सिग्नल, आउटपुट पर चाहिए था मैसेज, जो मैंने फोन में बोला है वही तो आपको डिटेक्ट होना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हो मेरे से और मैं जो यहां बोल रहा हूं वही तो आपको सुनाई देना चाहिए, और आपको सुनाई दे रहा है जीरो, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, ये एक डिसएडवांटेज हुआ या एडवांटेज हुआ? ये एक डिसएडवांटेज हुआ, दैट इज द प्रॉब्लम। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट प्रॉब्लम इज सीइंग बाय विच मेथड। अब नाम सुनो, क्वाड्रेचर का मतलब होता है 90 अंश, क्वाड कंपोनेंट। देखो जब मैंने आपको एसी एनालिसिस पढ़ाया था तो बताया था एक रियल पार्ट, एक रियल कंपोनेंट होता है इन फेज कंपोनेंट, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है 90 डिग्री, रियल के साथ ये मान लो रियल है और ये वर्टिकल है, तो क्या रियल कंपोनेंट के साथ जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 90 डिग्री पर है? और 90 डिग्री वाले को कंपोनेंट को क्या कहते हैं हम लोग? क्वाड्रेचर कंपोनेंट। क्वाड्रेचर का मतलब फाई बराबर 90, तो क्वाड्रेचर मींस 90। 90 डिग्री की वजह से इफेक्ट जो आ रहा है नल, नल मींस जीरो, नल मींस जीरो। सो दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में से QNEV कहते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए स्टूडेंट्स डिजाइनर कहता है गलती से 90-90 ना बन जाए, 60 होता, 30 होता, वो कहता है फिर भी हम रिकवर कर लेंगे। लेकिन इस केस में क्या रिकवरी प्रॉपर हो पाएगी? क्या इस केस में रिकवरी प्रॉपर हो पाएगी मैसेज सिग्नल की? बताइए आप, क्या इस केस में हम प्रॉपर सिग्नल को रिकवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल, अगर आपको प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन करना है, फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल, फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल फाई शुड बी कॉन्स्टेंट इज बेस्ट। फाई शुड बी कॉन्स्टेंट बेस्ट कंडीशन। अगर फाई कॉन्स्टेंट है तो बेस्ट है। फाई का मान ना बदले वो ज्यादा अच्छा है। फाई का मान अगर बदलेगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि फाई का मान आप कोशिश करोगे कि फाई कांस्टेंट रहे, ज्यादा अच्छा है। अगर बदलता है तो फिर स्टूडेंट बदलने के बाद गलती से अगर क्वाड्रेचर नल इफेक्ट का शिकार हुआ तो मैसेज सिग्नल ही वैनिश हो जाएगा। तो दैट इज द प्रॉब्लम। सो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल, फाई को हम कांस्टेंट रखना प्रेफर करते हैं। क्या रखना प्रेफर करते हैं? कांस्टेंट। और अगर फाई कांस्टेंट होगा तो इसके लिए फॉर दिस पर्पज अरे ये तो कैरियर का सिग्नल है स्टूडेंट। जब आप थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम आगे पढ़ोगे तो जब ऑक्सीलेटर सर्किट डिजाइन होता है, ऑक्सीलेटर सर्किट अगर किसी मान लो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से डिजाइन हो रहा है तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा, और अगर फर्दर उसमें कोई कैपेसिटर का सेक्शन लगा है या इंडक्टर का सेक्शन लगा है तो एक इंडक्टर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा, एक कैपेसिटर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा। इंडक्टर फेज शिफ्ट -90 की देगा, कैपेसिटर फेज शिफ्ट +90 की देगा, राइट? तो इसके बेस पर, और वो डिपेंड करेगा वो न्यूमरेटर बना रहा है या डिनोमिनेटर। उमेश चंद आपने पूछा था कि किस केस में, तो ये डिजाइनिंग पर डिपेंड करेगा। जो हम ऑक्सीलेटर सर्किट ले रहे हैं अगर उसकी डिजाइनिंग पर
कोई फेज डिफरेंस आ रहा है अंदर, उसकी डिजाइनिंग आरसी सेक्शन या आरएल सेक्शन से होती है, तो उस डिजाइनिंग पर अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो फिर हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। और जनरली अगर एलसी ऑक्सीलेटर्स पर फेज डिफरेंस कुछ क्रिएट हो गया और 90 क्रिएट हो गया, तब स्टूडेंट्स मेजर प्रॉब्लम आएगी। सो दैट्स व्हाई इसके लिए फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल हम चाहते हैं फाइ शुड बी कॉन्स्टेंट फॉर दिस पर्पज। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आई एम सेइंग, फॉर दिस पर्पज, फॉर दिस पर्पज एडिशनल सर्किटरी इज यूज्ड। एडिशनल एक एक्स्ट्रा एडिशनल सर्किटरी इज यूज्ड। दिस पर्पज का मतलब इसको मेंटेन करने के लिए, फॉर दिस पर्पज एडिशनल सर्किटरी इज यूज्ड, दैट इज टू मेक सेम फेज डिफरेंस। हम क्या चाहते हैं, दोनों के बीच में सेम फेज डिफरेंस बने, और इसके लिए हम लोग कंट्रोल सिस्टम की हेल्प से फेज कैंसिलेशन करवाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा फेज बनता है उसका कैंसिल करा, तब हमारे पास ये प्रॉपर डिजाइनिंग बनती है, राइट? तो याद रखें इसका नाम सिंक्रोनस अथवा कोहरेंट डिटेक्टर क्यों है, मतलब जैसा ट्रांसमिशन के टाइम पर मैसेज सिग्नल पर कैरियर मल्टीप्लाई हुआ था, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज का कैरियर डिमॉड्यूलेशन पर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिमॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का फेज बदल गया। अगर उसका फेज और फ्रीक्वेंसी सेम रखना है तब हमारे पास बेस्ट मैसेज सिग्नल प्रॉपर वापस आएगा। तो इस सर्किट का ड्रॉबैक क्या है, इसमें सिंक्रोनस चाहिए, सिंक्रोनिज्म चाहिए, कोहरेंस चाहिए, मतलब तभी सेम मैसेज आएगा जब आपके पास आप कैरियर जो यहां लोगे वो कैरियर सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज का होगा। एक्सेप्टेड माय वर्ड्स, इतनी बात क्लियर हो रही है सबको? दूसरा, ये केवल और केवल ध्यान रखना, ये केवल और केवल जो प्रैक्टिकल अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली जब भी हम इसकी बात करते हैं तो ये केवल और केवल एक ही जगह हम यूज कर रहे हैं। क्या टू के बाद क्या लिखा है, मेक सेम फेज डिफरेंस लिखा है स्टूडेंट्स, ठीक है? इसका यूज जनरली मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। कहां करते हैं? मल्टी पॉइंट, दैट मींस पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। मैं लिख ही देता हूं इसको, जनरली अप्लीकेशन बेस्ड पर अगर हम बात करें सुनेंगे ध्यान से क्या लिख रहे हो आप लोग। एक मिनट आप लोगों का पढ़ दूं मैं। हाँ ममता रिपीट, ओके एक बार फिर से, ओके सुनो, मैंने आपसे ये बोला था, अगर आपने मान लो, पहले मैं इस लाइन को हटा दूं, नीचे वाली लाइन दिख नहीं रही, ओके। मैंने ये बोला था फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल मैसेज सिग्नल फाई शुड बी कॉन्स्टेंट, ये बेस्ट होता है, फाई कॉन्स्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। फॉर दिस पर्पज एडिशनल हार्डवेयर सर्किट का मतलब कंपोनेंट लगेंगे, इज यूज्ड, दैट इज टू मेक सेम फेज डिफरेंस के लिए इसकी जरूरत हमें होगी, एक एडिशनल सर्किट लगाना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अब क्लियर है यहां तक? हाँ, मैं एक बार इसको रिपीट भी कर देता हूं, इस लाइन को एक बार समझा भी देता हूं आपको क्या बोल रहा हूं मैं। लास्ट लाइन है ये, बस सुन लो इसको। एग्जाम में पूछा जाता है तीनों डिटेक्टर मेथड में सबसे ज्यादा
हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी किसकी है? तो सबसे ज्यादा हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी इसी की है, ठीक है। हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि आप इसमें ज्यादा कंपोनेंट यूज करने पड़ते हैं, आपको फेज कैंसिलेशन भी यूज करना पड़ता है ताकि सेम फेज बने, तो इसलिए आप यहां पर एडिशनल हार्डवेयर यूज करते हैं, एडिशनल सर्किट यूज करते हैं। तो आपसे कभी बोला जाए, आपसे कभी भी बोला जाए कि आपको सिंक्रोनस डिटेक्टर अगर यूज करना है तो आप बोलेंगे इसकी हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, किसकी तुलना में? इनवेलप डिटेक्टर की तुलना में इसकी हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। आपको पता है स्क्वायर ला डिमोडुलेटर तो वैसे ही अच्छा नहीं था, और यहां अब मेरी बात सुनना, मैं ये बोल रहा हूं इनपुट ध्यान से सुनो, इन इनपुट सेक्शन सी ऑफ टी आपने लिया एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 5। तो स्टूडेंट्स अगर इनपुट सेक्शन में ये कैरियर लिया है तो फॉर डिमोडुलेशन भी यही लेना होगा, फॉर डिमोडुलेशन अगेन सी ऑफ टी लोकल ऑक्सीलेटर से कितना जनरेट कराओगे? एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 5। इसका मतलब इस मेथड की लिमिटेशन है, आपको सेम मैसेज तभी मिलेगा जब फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम बनानी ही होती है, प्लस फेज डिफरेंस भी क्या हो सेम। इसी को कहते हैं सिंक्रोनाइज, इसी को कहते हैं सिंक्रोनस, मतलब जो मॉड्यूलेटर में यूज करते हो, ये मॉड्यूलेटर में यूज करते हो, मॉड्यूलेटर में जो कैरियर का मान यूज करते हो वही सेम वैल्यू डी मॉड्यूलेटर में यूज करोगे, तब जाकर सिंक्रोनस डिटेक्टर सही काम कर पाएगा। तो इसलिए आपको अगर सेम कैरियर बनाना है तो इसके लिए एडिशनल सर्किट लगता है। सो इसलिए बोला जाता है हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिंक्रोनस डिटेक्टर इज हाई, ठीक है। सिंक्रोनस डिटेक्टर की हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी इज हाई है, मतलब जो कंपोनेंट हैं वो इसमें ज्यादा लगते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ज्यादा लगते हैं। हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं कंट्रोल पैनल को लेकर, कंट्रोल सिस्टम के पैनल को लेकर, फेज कैंसिलेशन सर्किट यूज होते हैं इसके अंदर जिसकी वजह से सेम फेज बनेगा, तो सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज्यादा होती है कंपेयर टू इनवेलप डिटेक्टर, और कंपेयर टू इनवेलप डिटेक्टर, इनवेलप डिटेक्टर कंपेयर टू इनवेलप डिटेक्टर, इनवेलप डिटेक्टर की तुलना में इसकी हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हाई। तो कंपेयर टू, एक मिनट, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिंक्रोनस डिटेक्टर इज हाई, सो ऐसा लिखो, सो कंपेयर टू इनवेलप डिटेक्टर दिस इज नॉट प्रेफर्ड, मतलब इनवेलप डिटेक्टर के सामने ये प्रेफर नहीं होगा। कभी भी अगर ऑप्शन में इनवेलप डिटेक्टर के साथ सिंक्रोनस डिटेक्टर दिया है तो हमेशा प्रेफरेंस इनवेलप डिटेक्टर को देते हैं, और इसकी हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? कम। इनवेलप डिटेक्टर में केवल आर लगा है, सी लगा है, स्टूडेंट डायोड लगा है, और कुछ नहीं लगा, तो इनवेलप डिटेक्टर बहुत स्मूथ, बहुत प्रॉपर सर्किट होता है, लेकिन सिंक्रोनस डिटेक्टर की हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है, इस वजह से इसको प्रेफर नहीं करते। ज्यादा किसको प्रेफर करते हैं? इनवेलप डिटेक्टर को। बट इनवेलप डिटेक्टर का नुकसान कहां है? इनवेलप डिटेक्टर इज वैलिड म्यू लेस देन और इक्वल टू 1 तक,
envelope detection कहां तक अच्छा हो सकता है, mu less than or equal to 1 तक, but synchronous detector में दिक्कत नहीं है. ओवर मॉड्यूलेशन वाला सिंक्रोनस डिटेक्टर कैन डिटेक्ट म्यू लेस देन आर इक्वल टू वन, म्यू ग्रेटर देन वन भी. अगर ओवर मॉड्यूलेशन भी है, म्यू का मान एक से ज्यादा भी है, तो भी सिंक्रोनस डिटेक्टर में डिटेक्शन हो जाएगा, राइट. और तो ये याद रखेंगे आप ऑब्जेक्टिव में. इनवेलप डिटेक्टर, एक मिनट क्या हुआ, सॉरी, हाँ ठीक है. इनवेलप डिटेक्टर कहां तक बेस्ट है? इनवेलप डिटेक्टर बेस्ट है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान एक के बराबर या एक से छोटा. लेकिन अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान एक से ज्यादा हो, तब आप सिंक्रोनस डिटेक्टर को प्रेफर करते हैं. आपने देखा था स्क्वायर ला मॉड्यूलेटर दिक्कत दे रहा था, बहुत प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा था, मैसेज के साथ साथ कुछ और फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को भी रख रहा था, राइट. तो इन तीनों में सबसे बेस्ट इनवेलप डिटेक्टर है. हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी भी लो होती है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे हर जगह वैलिड है. जहां मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान एक से बढ़ा, तब मजबूरी है सिंक्रोनस डिटेक्टर को यूज करना, राइट. क्योंकि इनवेलप डिटेक्टर म्यू ग्रेटर देन एक पर फेल हो जाता है, राइट. म्यू ग्रेटर देन एक पर मजबूरी है सिंक्रोनस डिटेक्टर को यूज करने की. एक और बात, जब भी कभी ब्रॉडकास्टिंग पर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन यूज करना होता है, क्या यूज करना होता है? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन. लास्ट लाइन जल्दी लिखो. हाँ बस हो गया, हो गया. पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन, जल्दी लिखो, लास्ट लाइन है ये. पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन मतलब एएम रेडियो, एएम रेडियो, हाँ, रेडियो सर्किट्स पर जहां एक पॉइंट से मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन कराना होता है, तो क्या प्रेफर करते हैं? सिंक्रोनस डिटेक्टर, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन. क्योंकि वहां स्टूडेंट्स पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन में हमारी रिक्वायरमेंट होती है, क्या हुआ, हाँ सर की अब क्लास है, ठीक है, मैं अब नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा स्टूडेंट, जो भी लिखवाना है, ठीक है, ओके. अब इसको नेक्स्ट क्लास में लिखवाएंगे. अरे सर की क्लास है स्टूडेंट्स 8 बजे से, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको प्रॉपर लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, इसको लिखवा दूंगा लास्ट में. आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले पूछ रहे हो ना कि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कैसे लिख करने हैं, ठीक है. अरे थोड़ा बहुत समझ गए हो ना लास्ट स्टेप से पहले तक का, लास्ट स्टेप से पहले तक सभी को क्लियर है? ठीक है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ. हाँ हाँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा. हाँ, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, चलो.